नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, जुड़ रहा हूं आपके साथ नई दिल्ली से। मेरे सहयोगी वीरेन जी आपके साथ जुड़ेंगे नोएडा से और पकड़ेंगे एक से एक शानदार ट्रेड इस मंगलवार के दिन, जहां पर निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अब 17 अंक नीचे 14617 के आसपास। इंट्राडे हाई है 14720, तो यूं समझिए कि 100 पॉइंट ये इंडेक्स आपको फिसलता हुआ दिख चुका है दिन के उच्चतम लेवल से। बैंक इंडेक्स अभी भी 232 अंक ऊपर है, यहां पर आपको वैल्यू दिख रही है फिलहाल 32710 और उच्चतम लेवल था 33,000, तो यहां पर भी लगभग 290 अंक आपको बाजार ऊपर से कटता हुआ दिख सकता है। वीरेन जी स्वागत है आपका। चलिए आइए एक बार देखते हैं कि इस वक्त निफ्टी बैंक निफ्टी का कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर 620 और करीब 32700 के स्तर पर निफ्टी बैंक। एक बार मैं आपकी मुलाकात उस पैनल से कराता हूं जो कि आज सीएनबीसी आवाज पर कमाई का अड्डा में आपके साथ और हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और उसके बाद चलते हैं स्ट्रेटेजीज पर। हमारे साथ आज जो बातचीत करने के लिए हमें फंडामेंटल नोट पर मौजूद रहेंगे, पहले टेक्निकल पैनल से मुलाकात कराता हूं आपकी। हमारे साथ संकल्प चतुर्वेदी होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। असित धर्म पाथी होंगे, एफएम रेट से बातचीत करने के लिए राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से होंगे। प्रकाश कबर अकाउंट के प्रकाश गाबा होंगे। श्रीकांत चौहान हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से होंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से चंदनता परिया और श्री संजीव भसीन हमारे साथ ठीक 3 बजे जुड़ेंगे उनके टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स ट्रेड्स एट 3 कल के लिए फोकस करेंगे उस पर। आज एक खास बातचीत होगी शुगर स्पेस पर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग की मैनेजमेंट हमारे साथ एक खास तौर से आप देखें मौजूद होगी। इस पूरे स्पेस में मूव है, लुक एट स्विंग 25-30% के अगर आप देखें स्विंग मिले हैं आपको जिस सेक्टर में, उसमें बात करना मैनेजमेंट से बहुत जरूरी होता है। उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ यतीन से बातचीत करेंगे हम डीलिंग रूम चेक में एग्जैक्टली आप देखें एक्सपेक्टेशन क्या है डीलर्स को, और यतीन से ही बात करेंगे टाटा स्टील के नंबर्स कैसे रहेंगे और साथ ही साथ दीपावली होंगी एसआरएफ। एक केमिकल स्पेस में टाटा केमिकल ने आज काफी निराश किया, लेकिन एसआरएफ जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है वहां पर एक्सपेक्टेशन कैसी है बात करेंगे दीपावली से। और ठीक 3:10 पर मैं और शैल जी शुरुआत करेंगे बीटीएसटी ट्रेड के क्रम की और कैरी करेंगे जो भी कैरी करना होगा उस वक्त। लेकिन देखिए मेरी अप्रोच क्या है, देखिए मैं मन बना के आया था अभी यहाँ पे स्टैट्स को देखते हुए मेरे को पूरी गुंजाइश लग रही थी कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस क्लोजिंग विल बिलोंग टू अ पुलबैक, एक पुलबैक आएगा, और मैं मन बना के आया था कि 14700 की कॉल रखूंगा और 14700 की कॉल जो है वो 77.25 रुपए पर ट्रेड कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ डेवलपमेंट शायद लग रहा है कि पॉसिबल अगर आप देखें उससे मार्केट को थोड़ा सा डेंट पड़ सकता है, तो मैं अभी कॉल नहीं लूंगा ये वाली, थोड़ा सा और रुक कर 14640 की ट्रेजेक्टरी अगर पार होती है अगले कुछ मिनटों में तो मैं शायद इस 14700 की कॉल में जो कि 78 रुपए पर ट्रेड कर रही है कैपिटलाइज करना चाहूंगा। शैल जी थोड़ा सा और टाइम बाय करूंगा, लेकिन 14700 की कॉल में मैं फोकस करूंगा क्योंकि पुट राइटर्स 1440 14500 और 1460 की स्ट्राइक्स पर विजिबल है। शैल जी चलिए, तो ये रणनीति आपके सामने निफ्टी पर आती हुई दिख रही है हमारे मित्र श्री वीरेन जी की तरफ से, जो आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है फ्लैट 14635 कम से कम हरे निशान में तो आया। चलिए अब जुड़ते हैं अपने टेक्निकल पैनल से और देखते हैं किस तरीके की रणनीति आपको सेट करता हुआ दिखेगा ये पैनल। लाइए स्क्रीन पर रेड साहब और देखते हैं कौन कौन हमारे साथ फिलहाल जुड़ता हुआ आपको दिख चुका है। सबसे पहले शुरू करेंगे जी हाँ असित बरन जी से, और दोबारा स्वागत करते हैं एक हफ्ते के बाद संकल्प चतुर्वेदी साहब का। सबसे पहले असित जी के बारे, असित जी को एक बढ़िया ट्रेड सजेस्ट कीजिए। गुड आफ्टरनून सर जी, आई थिंक एसआरएफ में कन्विक्शन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आई नो इट इज कमिंग आउट द रिजल्ट, बट एसआरएफ को हम 6640 में स्टॉप लॉस रख के 6800-6900 का पोजिशनल टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। इसमें क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट इज डेफिनेटली हाई ऑफ द क्वार्टर, आज के दिन में 90% हुआ ही एडिशन हुआ है, एंड और एक चीज देखने के लिए है कि 7200 तक कोई सिग्निफिकेंट कॉल रेटिंग नहीं है, सो देर इज नो काइंड ऑफ नो कॉल रेटिंग एट 7,100 लेवल, सो ऊपर का जोन खाली है, अगर एसआरएफ का ले सकते काइंड ऑफ नो राइट नाउ इट इज कमिंग एट अराउंड 6755, वी कैन स्टिल प्ले फॉर इट एंड अनदर 100 पॉइंट्स का मूव दिख सकते हैं आज के दिन में। चलिए ये तो रणनीति रही आपके पास एसआरएफ में, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। एसआरएफ के लिए दीपाली जी हमें राय देंगी कि किस हिसाब से नतीजों की उम्मीद है, और ब्लू स्काई टेरिटरी में आपको ऑलरेडी ये काउंटर ट्रैक करता हुआ दिखता है।
बैंक निफ्टी पर क्या रुझान रहेगा यहाँ पर? असित जी बताइए, किस तरीके से आप इस इंडेक्स को देख रहे हैं और क्या रुझान है, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड? नहीं सर, जैसे सुबह भी बोल रहा था कि इसे बाय ऑन टिप दिस थिंग, सो बैंक निफ्टी का मैं 33,000 का कॉल देख रहा हूँ। आई थिंक इट्स राइट नाउ 250-260 के रेंज में चल रहे हैं। अगर पोजिशनल के लिए कलर पर से तो देख सकते हैं, आई थिंक बैंक निफ्टी का 33,000 का कॉल ले सकते हो तो स्टॉप लॉस ऑफ 200 रुपीज एंड फॉर ए इमीडिएट टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट ऑफ 350-370 के रेंज में। तो बैंक निफ्टी इज बाय ऑन डिप्स एंड इस अच्छा खासा करेक्शन दिया है ऑन द टॉप, जितना हाई गया था दोपहर में। आई थिंक इट्स ए डिसेंट लेवल टू री एंटर विद अ स्टेट स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 200 रुपीज। ओके, 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप करीब 350 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी के 33,000 की कॉल को लेंगे, 255 पे ट्रेड करती हुई एक कॉल ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के श्री राजेश पालवी जी से। राजेश जी, थोड़ा एक ट्रबल सेशन है, हम एक ट्रेजेक्टरी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, टर्बुलेंस बहुत है, आप क्लोजिंग के लिए क्या ट्रेड पिक करेंगे? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून शैलन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए वीरेन जी, बिल्कुल वोलेटिलिटी तो रहेगी मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज फ्लो आता रहता है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट भी अपना बिहेव चेंज कर रहा है, तो थोड़ा सा मार्केट भी कॉशियस मोड पे ट्रेड कर रहा है, बट वॉलेटिलिटी है, लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ ही मार्केट में रहना चाहिए, बिकॉज मार्केट में जो भी लो बने थे वो मार्केट ने डिफेंड किए हुए हैं और मार्केट जिस तरीके से लोअर साइड से स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग दिखा रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से बाइंग साइड का ही व्यू रखना चाहिए। मार्केट जैसे ही ईज ऑफ दिखेगी, ये सब जो तकलीफें हैं, मार्केट एक अच्छी तेजी के लिए बिल्कुल यहाँ से तैयार खड़ा है। अभी यहाँ से जो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है वो इंश्योरेंस सेक्टर से एसबीआई लाइफ का। अगर इसका ओवरऑल सेटअप भी देखें, डेली सेटअप के हिसाब से देखें, तो पिछले एक महीने का सेटअप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे देखने को मिला और स्टॉक ऑल टाइम हाई पे अब ट्रेड कर रहा है। और देखें तो ड्यूरिंग द डे नीचे जो लोअर लेवल पे लेवल बने थे वहां से काफी अच्छी रिकवरी ड्यूरिंग द डे देखने को मिली है। तो जिस तरीके से स्टॉक का पोजीशन है, हमें लगता है कि यहां से 1020 का टारगेट एसबीआई लाइफ में आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 975 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह देंगे। चलिए, एसबीआई लाइफ पर आपको मोहर लगती हुई दिख रही है नतीजों के बाद। सुबह अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे तो ये टॉप पिक थी असित जी की, जहां पर आपने बढ़िया मुनाफा आते हुए दिखाया और कंटिन्यूएशन में ये काउंटर आपको ट्रैक करता हुआ दिखेगा अपने ऑल टाइम हाई पर, जो है लगभग 1004 और फिलहाल 985। जुड़ते हैं संकल्प चतुर्वेदी साहब से। संकल्प जी, एक हफ्ते बाद दोबारा स्वागत है आपका और हम सबकी तरफ से सहानुभूति, आपके परिवार में एक शोक हुआ है, हम सबकी आप कंडोलेंसेस एक्सेप्ट कीजिए। आप बताइए कहां पर ट्रेड है? थैंक यू। नमस्कार शैलेंद्र जी, वीरेंद्र जी, आज मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को ट्रैक कर रहा हूं। सुबह से ही इसमें काफी वीकनेस है, 760 से स्टॉक ऑलमोस्ट 740 आ गया है। एंड इसका कोरिलेशन अगर मैं निफ्टी से देखूं तो निफ्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 14,633, यहाँ 15 मिनट पे डबल टॉप्स बना रहा है। तो अभी जो एक छोटी सी रिलीव रैली अगर अपने देखी थी करेक्शन के बाद, जिसमें मार्केट थोड़ा ऊपर आया, ये फेल होगी मेरे हिसाब से, और इसका जो फर्क है ये वीक काउंटर जैसे कि एमएनएम हो गया आज, इस पे पड़ेगा। तो इसकी 740 की जो पुट है वो मैं लेना चाहता हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंट्राडे में 12-13 रुपए अपने को क्लोजिंग तक इसमें मिल जाएंगे। तो 37.4 का टारगेट रख के 740 की जो इसकी एटीएम पुट है उसको मैं परचेज करूंगा और 25.1 उसमें स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप एमएनएम की पुट लेंगे। याद रखिएगा, एमएनएम ने कल के लो को वॉलेट कर दिया है, एमएनएम ने ऑलमोस्ट अपने समझ लीजिए कि 12 अप्रैल के लो को भी वॉलेट कर दिया है। एमएनएम अब जा रहा है 722 की तरफ, तो यहाँ पर पुट ऑप्शन का लॉजिक है ये। 740 की पुट 30 रुपए पे लेंगे, 37 का टारगेट, 25 का स्टॉप लॉस, बहुत लॉजिकल ट्रेड है भी ये। कल सेल्स फिगर में आप देखें, जैसे कि सुबह हर्षदा ने समझाया भी था, ये फिगर्स बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशली आप देखें ट्रैक्टर जो सेल्स है वो इस बार निराश कर रही थी बाजार को। तो ये हो गया पुट ऑप्शन का ट्रेड एमएनएम की। अब बात करते हैं प्रकाश अवस्था से। प्रकाश सर, आप ट्रेड क्या पिक करेंगे क्लोजिंग के लिए? शॉर्ट आइडिया है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर लगता है कि थोड़ी गिरावट नजर आती है, गोदरेज प्रॉपर्टीज वीकनेस है और जो गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो टारगेट है
वो है करीब 1260 का, स्टॉप होगा 1300 रुपए का। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में वीकनेस है। इसमें ऐसा है कि 3-4 दिन से हम वीकनेस देख रहे हैं और ये वीकनेस शायद कंटिन्यू हो। आज एक अपलो मिला और वो निगेट हो चुका, तो मेरे ख्याल से वीकनेस कंटिन्यू होगी गोदरेज प्रॉपर्टीज का। चलिए मयूरेश जोशी साहब से जुड़ेंगे और उनका एक कन्विक्शन ट्रेड लेते हैं और फिर चर्चा करेंगे एक बहुत ही बढ़िया सेक्टर की जहां पर आप शानदार तेजी देख रहे हैं बावजूद इस मायूसी पे जो आपको फिलहाल निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है। काफी सेलिंग प्रेशर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बनता हुआ, लेकिन एक कन्विक्शन ट्रेड यहाँ पर अपने मित्र जोशी साहब से। नतीजों को मद्देनजर रखते हुए और पोजिशन फ्रॉम एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव हमें लगता है आई थिंक कार्बोरेंट एंड यूनिवर्सल लाइक क्लियर डिस्क्लेमर इज नॉट जस्ट अभी मार्च बैक, हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है तो आई थिंक क्लाइंट्स में हैव पोजिशन, बट आई थिंक जो पोजिशनिंग है ये स्टॉक की इन टर्म्स ऑफ वेयर इट स्टैंड फ्रॉम एन एब्रेसिव सेगमेंट इटसेल्फ ड्यूओपोली है शायद सर, तो आई थिंक दो ही प्लेयर्स है इसमें। सेरेमिक के बिजनेस में भी आई थिंक इट्स गॉट अ ग्लोबल ड्यूओपोली, आई थिंक पूरे जग में आई थिंक बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं। और इनका जो इलेक्ट्रो मिनरल्स का सेगमेंट है जो तीसरा सेगमेंट है, यहाँ पे जो उन्होंने शिफ्ट किए हैं जिर्कोनियन ऑपरेशंस टू इंडिया, रशियन ऑपरेशंस आर डूइंग विद अ हाइडल कैपेसिटी, वजह से भी इबिटा मार्जिन की ट्रेंड बनेगी आई थिंक कैन बी क्वाइट सिग्निफिकेंट। आई थिंक 17-18% के इबिटा मार्जिन एक कंपनी मेंटेन कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा केटिक्स नहीं है और एंड यूजर इंडस्ट्रीज ऑफ इन सीरीज जो एब्रेसिव रिफ्रैक्ट्रीज और सेरेमिक्स यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स, इक्विपमेंट प्लेयर्स, यहाँ से जबरदस्त एंड यूजर डिमांड अभी भी है। और बिकॉज ऑफ दिस है कि दो या तीन ही प्लेयर है, दो ही प्लेयर है पूरे सेगमेंट में, तो तीनों सेगमेंट बहुत बढ़िया करने की है। डिविडेंड ये 1% के आसपास है और रिसीव पोजिशन 100 के आसपास है, विच इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड ऑन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव अपने कुछ तिमाहियों में देखी जा सकती है। टारगेट ऑफ क्लोज टू 720-730 विद अ स्टॉप अराउंड 545। चलिए कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे त्रिवेणी इंजीनियरिंग के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री तरुण सहानी साहब और कोशिश करेंगे हम उनसे चर्चा करने की कि किस हिसाब से बढ़िया आपको शुगर स्पेस में जो ये मूवमेंट दिख रहा है ये कितने समय तक चल सकता है। स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब लेके आइए SRF का चार्ट, यहाँ पर आपने बहुत ही ताबड़तोड़ तेजी पिछले 2-3 मिनट में देखी है, 6807 का काउंटर आपके सामने चहकता हुआ और आप यूं समझिए कि कुछ समय पहले ये आपको 6730 के आसपास मूव करता हुआ दिख रहा था, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट। थोड़ी देर पहले यहाँ पर इसको असित जी ने पकड़ा था। असित जी बताइए क्या करना है SRF पर अब? सर आई थिंक कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए, आई थिंक इट हैज स्टिल मोर काइंड ऑफ लेग टू प्ले। 6900 तक हम देख सकते हैं डेफिनेटली, जिस टाइप का मोमेंटम है एंड ओपन इंटरेस्ट बिल्ट अप हो रहा है इवन एट दिस लेवल, आई थिंक 6900 तक ये रैली कर सकता है, सो वी कैन स्टिल कैरी इट ऑन फॉर SRF। तो फिलहाल पोजीशन में बने रहिए और आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे थोड़ी देर में दीपाली जी जुड़ेंगी। SRF के आंकड़े चौथी तिमाही के कल आते हुए दिखेंगे, उम्मीद ये जताई जा रही है कि आपको SRF में लगभग 75% का चौथी तिमाही में मुनाफा बढ़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन अब बिल्कुल सही समय है। जुड़ते हैं श्री तरुण सहानी साहब से और उनसे चर्चा करते हैं कि शुगर सेक्टर में आपको किस तरीके की तेजी आती हुई दिख रही है। यहां पर अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में डायरेक्टर साहब काफी सारे शुगर स्टॉक्स दिखाई है आप स्क्रीन पर, चीनी का जो एक्सपोर्ट है उसके लिए बहुत बढ़िया इंसेंटिव दे रही है भारतीय सरकार, ब्राजील में जो गन्ने की फसल है वहां पर आपको बहुत परेशानी आती हुई दिखी है और इन्हीं दो कारणों की वजह से आप देखिए कि ग्लोबल मार्केट्स में जो चीनी के फ्यूचर्स हैं वो दहकते हुए दिख रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत ही कई ऐसे स्टॉक्स हैं इंक्लूडिंग त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सानी साहब स्वागत है आपका। नमस्कार जी।
आप हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं उसका आपके लिए बहुत बहुत आभार। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप देख ही रहे हैं बहुत ही जबरदस्त हलचल आपको चीनी के दामों में दिख रही है, मैं स्टॉक प्राइसेस की बात कर रहा हूं। बताइए क्या रुझान, इसके पीछे एक दो कारण आपको बहुत रिसर्च रिपोर्ट्स में आते हुए दिखेंगे कि भाई ब्राजील की फसल जो है वहां पर दिक्कतें हैं और खासकर जो इंसेंटिव भारतीय सरकार आपको दे रही है वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब बताइए ये प्राइसेस चीनी के कहां तक जाते हुए दिखते हैं आपको दिवाली तक? देखिए तीन तीन चार चीजें हैं। एक तो है ग्लोबल मार्केट, और आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि ब्राजील में जो गन्ने की फसल है वो थोड़ी कमजोर है। अभी सीजन चालू होने वाला है, उधर काफी बरसात हुई है और कमजोरी नजर आ रही है। उसके कारण और शिपिंग के कारण हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल चीनी फ्यूचर्स में बड़ी तेजी आ गई है। जो सफेद चीनी है वो $450 प्रति टन का रेट चल रहा है, और जो रॉ शुगर है वो 17 सेंट तक भी पहुंच गई थी कुछ दिन पहले। तो उधर बहुत तेजी नजर आ रही है, और उसके कारण जो भारतीय सरकार का जो एक्सपोर्ट प्रोग्राम है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। 6 मिलियन टन का टारगेट था, उसमें से मैं आपको खुशी से बताता हूं कि 5.5 मिलियन टन के सौदे हो गए हैं, उसमें से करीब 4 मिलियन टन तो एक्सपोर्ट हो ही गया है, और हमारे पास समय है सितंबर अंत तक। ये तो है एक चीज। दूसरी चीज जो चीनी कंपनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है एथेनॉल का प्रोग्राम, और जो भारतीय सरकार ने इस दिशा में बहुत नजर दिया है, जो टारगेट्स हैं उनको एक्सेलरेट किए हैं। जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो 2030 का टारगेट था वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2025 कर दिया है, ये खबर हमारे को कुछ ही महीने पहले मिली थी। और उसके कारण जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इस दिशा में, उसमें चीनी उद्योग के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स महसूस आएंगे। और जो साइकिल होता था मेरे हिसाब से ऊपर नीचे चीनी का, थोड़ी ज्यादा बनी थोड़ी कम बनी, चीनी के स्टॉक्स बढ़े कम हुए और उसके हिसाब से प्राइसेस बढ़े और कम हुए, इसमें जो इवननेस आएगा, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी वो एथेनॉल की तरफ बढ़ेगी, और वो एथेनॉल ऐसी स्टेबिलिटी लाएगी इस उद्योग में कि आने वाले समय में ये जो ऊपर नीचे सिक्लिकलिटी होती थी वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो सानी साहब ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अक्सर शुगर स्टॉक्स को लंबी अवधि के निवेशक नहीं देखते थे क्योंकि एक साइक्लिकल नेचर थी। चीनी आपको बढ़ती हुई दिखती थी विदेशी बाजारों में और उसके बाद यहाँ पर धम से ये काउंटर गिर जाया करते थे। अब ये बताइए खासकर त्रिवेणी के लिए आप कितना प्रोडक्शन अपना एथेनॉल के लिए एलोकेट कर रहे हैं और यहाँ पर आपको मार्जिन्स कहाँ जाती हुई दिख रही हैं? जो हमारा एथेनॉल का प्रोग्राम है करीब 90% बी हेवी से बन रहा है, तो हमने भी भारतीय सरकार की जो डायरेक्शन थी उसको भी फॉलो करी है, और 90% जो हमारा एथेनॉल है, 95% एक्चुअली वो बी हेवी से बन रहा है। इस साल हमारे पास दो और बढ़िया डिस्टिलरीज चल रही हैं, 320 किलोलीटर पर डे हमारी प्रोडक्शन है, और हमारे हिसाब से मेरे हिसाब से ये हमारी डिस्टिलरीज पूरे 330 दिन साल में चलेंगे, वो करीब रिकॉर्ड प्रोडक्शन हैं। अगले साल के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी बोर्ड ने दो और डिस्टिलरी के लिए अप्रूवल दी गई है, और उम्मीद है कि 2022 जनवरी तक ये दोनों डिस्टिलरीज चल जाए। तो हमारी जो प्रोडक्शन है 320 किलोलीटर पर डे से 520 किलोलीटर पर डे तक पहुंच जाएगी, और जब उधर पहुंचेगी तो हम जूस और सिरप से डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, और जो हमारा ऑफ सीजन होता है उसमें हम ग्रीन फूड ग्रीन जो भारतीय सरकार अलाउ करती है उससे भी एथेनॉल बनाएंगे। तो हमारी काफी सारी प्रोडक्शन डाइवर्ट होगी। इस साल हमारी प्रोडक्शन थोड़ी कम डाइवर्ट हुई थी, करीब 5-6% डाइवर्ट हुई थी चीनी की प्रोडक्शन। अगले साल ये बिल्कुल बढ़ेगी, हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट 10-11% तक डाइवर्जन होएगा एथेनॉल की तरफ।
ओके सारी सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि हमने अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करी, वहां पे दो बड़े प्लेयर्स हैं, अगर आप देखें ब्राजील हो गया थाईलैंड, दोनों के ही अगर आप देखें जो उत्पादन है वो काफी कम रहे हैं इस साल, तो ऐसे में ग्लोबल प्राइसेस और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको देखते हुए और जितने अनुपात में हम लोग एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है और घरेलू डिमांड को देखते हुए, दोनों तरफ आई मीन ग्लोबली और डोमेस्टिकली जो प्राइस ट्रेंड है वो अगले छह महीने में आपको कैसे दिखाई देता है? देखिए प्राइस ट्रेंड को कैलकुलेट करने में दो तीन चीजें हैं। पहली बात है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो बहुत ही रोबस्ट हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं। जो आपने बिल्कुल सही तरीके से कहा, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में जहां से खबर आ रही है वो नेगेटिव खबर है और प्राइसेस के लिए वो एक्चुअली उसको लिफ्ट कर रही है। भारतीय सरकार ने भी अगले साल की एक्सपोर्ट पॉलिसी की चर्चा अभी से शुरू कर दी है, ये मैंने अखबारों में पढ़ा है, आपके चैनल से भी ये खबर आई है। तो मेरे हिसाब से अगर ये चर्चा अभी से चालू हुई है तो थोड़ी पॉजिटिविटी डोमेस्टिक मार्केट में भी आ गई है। आजकल के प्राइसेस करीब अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो करीब 3400 रुपए रिफाइंड चीनी के हैं और 3300 रुपए प्रति क्विंटल नॉर्मल रेगुलर प्लांटेशन वाइट शुगर के लिए हैं। ये प्राइसेस करीब 6-7% बढ़े हैं एक ही महीने में। अगर हम आगे की तरफ देखें तो ये प्राइसेस रोबस्ट रहने चाहिए। अगले साल अगर प्रोडक्शन बढ़िया भी रहा तो बहुत सारा डाइवर्जन होगा एथेनॉल की तरफ। हमारी जो शुगर बैलेंस शीट है इस साल के बाद मेरे हिसाब से काफी संभल जाएगी, एंड अगर संभलेगी और एक और एक्सपोर्ट पुश के साथ ये पूरा बैलेंस में रहना चाहिए, ये सरकार की उम्मीद है और चीनी उद्योग की उम्मीद है और जो हमारी एसोसिएशन उसकी भी यही उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से अगले छह महीने में प्राइसेस चीनी के दाम रोबस्ट रहने चाहिए। अभी अगर रिफाइंड चीनी के भाव 3400 है तो करीब 4-5% इससे ऊपर ही जा सकते हैं मैक्सिमम। जी ऐसा करते हैं सारी साहब, थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं अब त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बैलेंस शीट पर। अगले एक आध साल के लिए अगर आप जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं ये बताइए कितना पैसा शुगर के व्यापार में आपको लगता हुआ दिखेगा कैपेसिटी ऑगमेंट करने के लिए और कितना पैसा आप एथेनॉल के बिजनेस में डालने की उम्मीद रख रहे हैं। 10 साल बाद आपका स्टॉक वापस रिक्लेम कर रहा है 3 डिजिट को। जी थैंक यू। देखिए जो हमारा एथेनॉल का प्रोग्राम है जो 200 किलोलीटर पर डे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए करीब आपको तो पता ही है स्टील के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, तो हमारी बोर्ड ने पूरी अप्रूवल दी है 260 करोड़ ये प्रोजेक्ट्स के लिए। चीनी उद्योग में हमारा सिर्फ बैलेंसिंग कैपेक्स है, वो सब इंटरनल अक्रूवल से ही लगेगा जैसे ये भी लगा है। एंड मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है एथेनॉल के लिए और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए चीनी के जो पैरेलल इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके दिस विल अलाउ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो तीन चार तरीके के होंगे। पहली बात है कि एक्सपेंशन होगी डिस्टिलरीज के लिए, फूड ग्रेन की जो एडिशनैलिटी है उसके लिए भी एक्सपेंशन होगी। तो आने वाले समय में ये दो और दो तीन और चीजों में बैलेंसिंग कैपेक्स नजर आ सकती है। हमारे लिए जो कैपेक्स हम कर रहे हैं वो सिर्फ इंटरनल अक्रूवल से ही करेंगे। चलिए सानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत ही कीमती समय निकाला और मैं ये मान के चलता हूं कि काफी गहरी रात इस वक्त लंदन में होगी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना इतनी कीमती समय निकाला। और कभी आपसे खतौली में मुलाकात होगी और वहां पर आपकी चीनी मिलों के हम लोग एक बहुत बढ़िया राउंड लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, नमस्कार। 10-12 साल बाद वापस त्रिवेणी इंजीनियरिंग आपको 3 डिजिट में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए ये तो चर्चा हुई मिठास की जो बाजार में घुलती हुई दिख रही है चीनी काउंटर्स की वजह से, वापस देखते हैं बाजार में क्या हो रहा है। वीरेंद्र जी कोई बढ़िया ट्रेड पकड़ के दिखाइए आप फिलहाल फ्रंटलाइन काउंटर्स में एफएनओ में। बाटा देखिए क्या सरपट आपको दौड़ता हुआ दिखेगा 1358 पर। जी
चलिए बात आपने पिक किया, एक और चीज में मार्क कर देता हूँ कि अभी कैश के स्टॉक्स में पेपर स्टॉक्स में एक मूव आ रहा है, स्टार पेपर डे हाई पर, और साथ ही साथ अगर आप देखें आंध्रा पेपर डे हाई पर, मैं इसमें से पिक कर लू। अगर एक बार आंध्रा पेपर को देखिए 232 के स्तर पर, स्टार पेपर आपकी स्क्रीन पर आप देखें 130 पर, एक बहुत बड़ा सेक्टोरियल मूव अगर आप देखें मिड कैप में इस वक्त विजिबल है। और एक और चीज दिखाई, शायद जी ने बाटा मेंशन किया है ना, बाटा इज इंटरेस्टिंग वन, आई थिंक ये कल के हाई को क्रॉस कर रहा है और 20 बीमा के ऊपर आके ट्रेवल करता हुआ। एक बार आपकी राय इस पर राजेश पालिया जी, आप इसमें से क्या पिक करेंगे, बाटा को इस रेंज में क्या लॉन्ग साइड पे पिक करना चाहिए? लोअर शैडो काफी वाइल्ड हो गई है, एक बेस के संकेत दे रहा है इंट्राडे बेस के, आपकी अप्रोच इस स्टॉक पे? बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये स्टॉक काफी दिनों से हमारे रडार पे और हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है, और जिस तरीके से इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न है, बिल्कुल ये बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी हो चुका है, और जिस तरीके से चार्ट प्लेस्ड है हमें लगता है यहाँ से स्टॉक में 1440 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेंगे, और बिल्कुल अभी भी करंट लेवल पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाय करना चाहिए। अभी फ्यूचर की बात करें तो 1370 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें 1358 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, और टारगेट जो आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 1395 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 1405। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू देंगे तो मुझे लगता है इस सीरीज में 1440 इवन 1470 तक के टारगेट भी बाटा में आते हुए दिखना चाहिए। चलिए आपके सामने एक पेपर स्टॉक्स का मैं स्टैक बनवा देता हूं, ऑलरेडी यहां पर आपने लगभग 10 से 11 प्रतिशत की तेजी देखी है, तो यहां पर सिर्फ आपको प्राइस मार्क कर देते हैं। डेट साहब लेके आइए आंध्र पेपर, जो थोड़े समय पहले आपको मार्क करते हुए दिखे थे हमारे मित्र वीरेन जी, ये आपके सामने स्क्रीन पर है 237.95, आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। हुतमा की पेपर पर ये आपके सामने 297 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा, बढ़िया मूवमेंट आपको दिख रहा है। जेके पेपर में जो 12% ऊपर है, और ओरिएंट पेपर में भी 14% की तेजी दिख रही है, तो यहां पर मेरे ख्याल से जूस खत्म हो गया है। लेकिन ध्यान देंगे कुछ सेक्टर्स पर जहां पर अभी भी बहुत बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, ये स्पेस है क्रॉप साइंस की, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में आप जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। डेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर एक्सेल इंडस्ट्रीज का चार्ट, देखिए यहां पर काउंटर लगभग आपको 20% ऊपर ऑलरेडी बढ़ता हुआ दिख रहा है 1066, यहां पर बढ़िया मूवमेंट 4.25 लाख शेयर पर आपको आता हुआ दिखेगा। एसआरएफ पर चर्चा हुई, हम लोग अक्सर बात करते हैं दीपक नाइट्राइड की, नवीन फ्लोरीन की, लेकिन आज जो आपको मोमेंटम दिख रहा है वो छोटे और मंझले काउंटर्स में दिख रहा है इस स्पेस में। लेके आइए मेग मनी ऑर्गेनिक्स, आपके सामने ये काउंटर ट्रैक करता हुआ दिख रहा है लगभग 146.20 रुपए पर, यहां पर अभी भी काफी आपको मोमेंटम बचा हुआ दिखा है मुकाबले की उन काउंटर्स पर जहां पर आप ऑलरेडी 20 या 25% का मूवमेंट आते हुए देख चुके हैं। जुड़ते हैं अपने मित्र श्री राजेश पालिया साहब से। पालिया साहब, कुछ रणनीति आप मेग मनी ऑर्गेनिक्स पर सेट करना चाहेंगे? जी शैल जी, देखिए ये स्टॉक में जिस तरीके से आज मोमेंटम बना है लोअर साइड पे, इसने 141 का बेस बनाया है, अभी जो स्टॉक मोमेंटम दिखा रहा है हमें लगता है कि स्टॉक प्रीवियस डे के हाई को भी क्रॉस करते हुए दिखेगा। 152-153 का रेंज जैसे ही क्रॉस करेगा ये स्टॉक में एक अच्छा मूव और एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए, और मुझे लगता है इसके 165 तक के टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। अगर स्टॉक का ओवरऑल सेटअप देखे तो स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म जोन में अगर हम बात करें 152 के ऊपर 165 तक के टारगेट हमें लगता है बिल्कुल आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 146 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, ये स्टॉप लॉस अगर आज नहीं वायलेट होता है तो बिल्कुल इसको पोजीशन को कैरी भी किया जा सकता है 165-166 के टारगेट के लिए। जी हमारे साथ हमारे रिसर्च गुरु मयूरेश जोशी साहब जुड़े हुए हैं। मयूरेश जी, पूरा का पूरा एग्रोकेमिकल स्पेस जो फर्टिलाइजर से ताल्लुक रखता है आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर, बहुत काउंटर्स पीआई इंडस्ट्रीज देख लीजिए, एक्सेल क्रॉप साइंस देख लीजिए, आपको यहां पर बहुत जबरदस्त मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, कोई रणनीति आपके पास होगी मेक मनी ऑर्गेनिक्स पर? तो सर आई थिंक ये स्पेस ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि मॉनसून आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, और फर्टिलाइजर सीड्स जैसे हमने बात की एग्रोकेमिकल्स, ये सारे स्टॉक्स फ्लेवर में रहेंगे। अब जहां तक आई थिंक मेघमणी ऑर्गेनिक्स का सवाल रहा है, आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ हैज बीन क्वाइट गुड इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स,
पोस्ट लॉकडाउन आई थिंक जब हम टॉप लाइन ग्रोथ की बात करते हैं आई थिंक और जब बॉटम लाइन की बात करते हैं तो जो अर्निंग्स ग्रोथ इज इन एक्सेस ऑफ 20-30% बहुत ज्यादा डेट शेल्सर इसके बुक्स पे है नहीं. डिविडेंड यील्ड इज ऑलमोस्ट अराउंड 0.5%. EBIT मार्जिन हैव कम बैक विद अ रोर. आई थिंक जो 12-13% एवरेज थी वो आई थिंक 16-17% हो गई है जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास है. तो मुझे लगता है आई थिंक जो कंसिस्टेंसी हमें देखनी चाहिए टॉप लाइन में 450 से 475 करोड़ के आसपास विद वेरी लिटिल डेट एंड ग्रेट फ्लो थ्रू इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोस आई थिंक ये स्टॉक बिल्कुल मोमेंटम में रह सकता है. अलॉन्ग विद दिस आई थिंक जो लास्टली भी हमने डिस्कस किया था सुमितोमो केमिकल इंडिया क्योंकि ये स्टॉक पे भी आप ध्यान दे सकते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. मेक मनी ऑर्गेनिक्स आपकी स्क्रीन पे करीब 152-140 पे ट्रेड करता है और याद रखिए बहुत एग्रेसिव पैटर्न है ये, बहुत एग्रेसिव पैटर्न है. लुक एट वॉल्यूम्स, पिछले 5 दिन के वॉल्यूम्स देखिए और इसने बहुत स्ट्रॉन्ग नेकलाइन ब्रेकआउट दिया था 150-143 की रेंज में. उसके टारगेट्स काफी बड़े हैं लेकिन फॉर द टाइमिंग आप एक काम कीजिए, राजेश पांडे जी का जो टारगेट है उससे काम चलाइए, लेकिन बहुत एग्रेसिव स्टॉक है याद रखिएगा इस वक्त. एक और ट्रेड की बात करते हैं बाटा, आपके स्क्रीन पर आप देखें थोड़ा सा और ऊपर खिसक के अगर आपके ग्रिप में है तो आ चुका है करीब 1380 का हाई लगा के आई फ्यूचर्स. लेकिन अब विषय को बदलते हैं और एक और एग्रेसिव स्टॉक के बारे में बात करते हैं और वो है SRF. प्लीज आपके साथ SRF का एक बार लॉन्ग टर्म चार्ट लिखाइएगा. इस स्टॉक की क्वार्टरली प्राइस परफॉर्मेंस इसके क्वार्टरली चार्ट से बहुत बहुत सरोकार रखती है. एक बार इसका जब जनवरी में 15 जनवरी को नंबर आया था, नंबर खराब आए थे, उसके बाद पूरा क्वार्टर डिसअपॉइंटमेंट गुजर गया. लेकिन इस बार ये 19 मार्च को करीब 5216 के लो के अगेंस्ट आज 6742 पर ट्रेड कर रहा है. क्या सोचता है बाजार इसके नंबर्स को लेकर, आइए दीपाली से बात करते हैं. एक्सपेक्टेशन क्या है दीपाली इस नंबर से पहले? ये एक बहुत बड़ा बड़ा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मूव दे चुका है. नंबर से क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार SRF के? नंबर्स SRF के अच्छे रहेंगे और पिछले क्वार्टर में भी जो परफॉर्मेंस थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी और वही ट्रेंड इस क्वार्टर में भी फॉलो होगा, ये एक्सपेक्टेशंस है. दरअसल 3 मेजर सेगमेंट है कंपनी के. मेजॉरिटी रेवेन्यूज तो ये स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस से ड्राइव करती है लेकिन इसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस है और पैकेजिंग फिल्म्स है और इन तीनों ही सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी जिसकी वजह से इनके जो रेवेन्यूज हैं वो 24.5% रखकर आ सकते हैं. मुनाफा इनका काफी स्ट्रॉन्गली ग्रो हो सकता है, वो रहेगा 75% के आसपास का. तो मुनाफे में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी और एबिटा लगभग 47% ग्रो होकर आ सकता है. दरअसल स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगा जिसकी वजह से इनके मार्जिन काफी एक्सपैंड होंगे और एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन 100 basis points से ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं. ये 24.7% से बढ़कर 25.9% के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है. हालांकि जो पैकेजिंग फिल्म बिजनेस है वहां ग्रोथ तो रहेगी रेवेन्यू फ्रंट पर लेकिन मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होंगे. अगर पार्टिसिपेशन पैकेजिंग फिल्म्स की ओर से भी आता मार्जिन फ्रंट पर तो ये और ज्यादा एक्सपेंड होते ओवरऑल, लेकिन उसके बावजूद भी 120 basis points की इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है. तो तीनों ही सेगमेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे जिसके कारण ओवरऑल जो अर्निंग्स रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे SRF के. ओके, अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है. दीपाली मैं इस नंबर पर फिर से आऊंगा लेकिन इस बीच करा देखिए अर्निंग्स में आपके स्क्रीन के निचले भाग पे अलेम्बिक फार्मा के नंबर्स आए हैं. मुनाफा अगर आप देखें 250 करोड़ रुपए रहा है वर्सेस 220. ऑल दो याद रखिएगा स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन जो थी वो करीब करीब 239 करोड़ रुपए की थी, यानी बॉटम लाइन जो है वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन अगर आप देखें काफी अच्छा खासा रहा है और करीब करीब समझ लीजिए कि 11 करोड़ का डायवर्जेंस है, 1206 करोड़ से बढ़कर आए करीब करीब 1280 करोड़ रुपए. तो यहाँ पे टॉप लाइन बॉटम लाइन में दोनों अगर आप देखें तो काफी अच्छा खासा इजाफा है. 1014 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ राजेश पालवी जी फटाफट बताइएगा, अच्छा मूव 1017 पे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, ये 1023 की ट्रेजेक्ट्री को अगर पार करेगा तो किस प्रकार का मूव देगा? ये टिपिकल एक फ्लैग का ब्रेकआउट होगा 1023 के ऊपर, आपकी राय? बिल्कुल बिल्कुल, डेली वीकली सेटअप दोनों ही प्रॉमिसिंग है और जैसा आपने बताया बिल्कुल 1023-1025 का जोन क्रॉस करेगा तो वीकली सेटअप के हिसाब से एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होगा, फिर स्टॉक में बड़ा मूव बनेगा जो कि इसको 1080-1100 की तरफ भी लेके जा सकता है. करंट लेवल से अभी जो स्टॉप लॉस हमें लगता है वो रखना चाहिए क्योंकि रिजल्ट आए तो वॉलेटिलिटी थोड़ी रहेगी, 990 का स्टॉप लॉस रख ले. अगर ये 990 का स्टॉप लॉस नहीं टूटता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बिल्कुल हायर साइड पे 1025 का ब्रेकआउट देगा और वहां से फिर 1080 तक के टारगेट भी एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे. स्टॉक का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, स्टॉक में एक एक्युमुलेशन ऑलरेडी हो चुका तो बिल्कुल लॉन्ग करना चाहिए 990 के स्टॉप लॉस से. चलिए एलेम्बिक फार्मा में आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है. वैसे काफी सारे आज कैश काउंटर्स हैं जो फार्मा स्पेस में आपको बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं. नेक्स्ट साहब एक स्टॉक है जुबिलेंट फार्मोवा,
इसको जरा स्क्रीन पर लाइए, यहाँ पर 812 का प्राइस जरूर है, लेकिन यहाँ पर दिन में आपने एक अपमूव देखा था जो 830 की तरफ ले गया था। कुछ समय पहले जुबिलेंट का जो ग्रुप है उन्होंने अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस को दो हिस्सों में बांटा था, जुबिलेंट फार्मोवा और जुबिलेंट इंग्रेविया। इंग्रेविया पर हम लोग कुछ समय से जरूर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर दोपहर को लगभग 12 बजे के आसपास जुबिलेंट फार्मोवा में भी एक बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिखा था। लेकिन कहानी मेघमणि ऑर्गेनिक्स में है। यहाँ पर जैसे ही वीरेन जी ने अपना एक बढ़िया चार्ट चेक का तड़का लगाया तो दिन के उच्चतम लेवल तक 193.60 तक आपको मेघमणि ऑर्गेनिक्स जाता हुआ दिखा। पूरे के पूरे सेक्टर में शानदार तेजी है। एक और कंपनी है पंजाब केमिकल्स, डॉक्टर साहब लेके आइए अगर आपके पास ये काउंटर है, पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन करके। आज बहुत दिनों बाद आपको यहां पर 40,000 शेयर का एक वॉल्यूम आता हुआ दिखेगा और ये काउंटर आपको 1,000 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत जबरदस्त फंडामेंटल स्ट्रेंथ इस काउंटर में भी आपको आती हुई दिखेगी। एग्रोकेमिकल स्पेस SRF को लेकर आप आज बहुत तेजी में देख रहे हैं, एक्सेल इंडस्ट्रीज में बढ़िया मोमेंटम है और साथ ही साथ एक FNO में काउंटर है जिसका नाम है PI इंडस्ट्रीज। बहुत कम लोग इस काउंटर को जानते हैं लेकिन इसकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है। जुड़ेंगे अपने मित्र श्री मयूरेश जोशी साहब जो इस सेक्टर को एनालाइज करते हैं। जोशी साहब, PI इंडस्ट्रीज दिन का लो 2510 और चार दिन की गिरावट, बताइए PI इंडस्ट्रीज जो कि एग्रोकेमिकल स्पेस का लीडर माना जाता है, ये काउंटर आपको कैसा लगता है? सर जबरदस्त स्टोरी है और इस पर कोई दो राय नहीं है। आई थिंक जैसे इनकी टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रो हो रही है एंड इट इज इन द राइट स्पेस इन टर्म्स ऑफ एग्रोकेमिकल्स पेस्टिसाइड जिसे हम बात करते हैं, जैसे टॉप लाइन ग्रोथ और आई थिंक आई एम अ बिग बिलीवर इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज और कैश फ्लोज कैसे जनरेट कंपनी करती है, तो आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ हैज बीन ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट क्लिप। EBIT मार्जिन्स 20-22% के बीच में है एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। जो लॉन्ग टर्म डेट है आई थिंक बहुत कम है बुक्स के ऊपर और जो केपेक्स कर रहे हैं putting up new facilities as well, ये incrementally जैसे assets को sweat करेंगे that should probably come into account as well. ROEs are very very high at around 18-19 और expectation हम बांध के चल रहे हैं कि that should expand to around 20-22 जैसे इनको नए orders और नए volumes के साथ balance sheet इनकी grow होगी। तो अच्छी top line growth, superior EBITDA margins, superior bottom line and earnings growth, ROEs काफी तगड़ी है और इनकी जो dividend yield है in sense that I think that is also quite good at this point of time. तो मुझे लगता है कि बहुत बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसके फंडामेंटल आंकड़े डिस्क्राइब किए हैं जोशी साहब। ये काउंटर PI इंडस्ट्रीज बहुत जबरदस्त मजबूत बैलेंस शीट रखता है, 5-6 दिन गिरा हुआ है क्योंकि पूरे के पूरे एग्रोकेमिकल स्पेस में है तो ये आपको स्विंग ट्रेड भी बनता हुआ दिख सकता है। पूछते हैं वीरेन जी से किस तरीके से वो PI इंडस्ट्रीज को देखते हैं। जी हाँ शैली, PI इंडस्ट्रीज का मैं एक बार आपकी स्क्रीन पर आप देखें लॉन्गर टर्म चार्ट रखना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पे 2510 का प्राइस है और एक बार जरा डॉक्टर साहब 6 महीने का अगर आप चार्ट रखेंगे ना तो यहाँ पर एक अच्छा आपको आई थिंक एक रिफ्लेक्शन मिलेगा कि एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है PI इंडस्ट्रीज का। 2508 का आपकी स्क्रीन पर प्राइस है, मैं इसको एक बार डेली चार्ट को देख रहा था। याद रखिएगा एक टिपिकल फ्लैग है इसमें और फ्लैग का ब्रेकआउट जो आता है वो करीब करीब आता है 2630 और 2600 के जोन में। उससे पहले 6 अप्रैल से लेकर अब तक यानी बीते महीने पूरा का पूरा इसने 20 डे के ऊपर गुजार दिया, 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर गुजार दिया। पालिया साहब आपका टेक 20 डीमा के ऊपर सेटल्ड है। इस बीच अगर आप देखें मैं एक विषय चेंज करके आपको बताना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी डेल ऊपर 32457 पे और निफ्टी जो है 14532 डेल ऊपर। मैं आपको एक बात कह रहा था ना शुरू में कि मैं मन बना के आया था कॉल लेने का लेकिन मेरे को लग रहा था कि कुछ खबरें ऐसी हैं, स्पेशली अगर आप देखें CNBC आवाज के स्क्रीन के निचले भाग पे बैंकिंग सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है ये थोड़ा सा मेरे को ना बैकफुट पे लेके आ रही थी इसलिए मैंने कॉल ले ली 14700 की। तो हम डेल ऊपर वेट कर रहे हैं लेकिन एक चार्ट चेक लेते हैं PI इंडस्ट्रीज का। पालवे साहब एक तो इंडेक्स पे आउटलुक दीजिए और PI इंडस्ट्रीज पर आपका टेक।
जी वीरेंद्र जी, देखिए पहले पीआई इंडस्ट्री पे बात करते हैं। अगर इसका डेली वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, और वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक पिछले चार वीक से अगर हम देखें तो स्टॉक 2530 के जोन को क्लोजिंग बेसिस पे अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन अगर ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में है और ये ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। मुझे लगता है जैसे ही इसमें 2530-2540 के वीकली क्लोजिंग बेसिस पे जैसे ही ब्रेकआउट होंगे तो स्टॉक में जो स्ट्रेंथ बनी हुई है इसका अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा, और स्टॉक ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है 2650 तक भी पोजिशनल बेसिस पे आता हुआ दिख सकता है। तो इसको बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी इस स्टॉक में रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। जो ट्रेडर है थोड़ा सा वेट कर ले, 2530 का ब्रेकआउट हो जाने दे क्लोजिंग बेसिस पे और फिर इसमें ट्रेड की पोजीशन बनाए। इसमें यहाँ पे करंट लेवल पे स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे हमें होंगे 2480 के आसपास। टारगेट तो हमें लगता है इसमें 2580 से लेके 2620 तक आते हुए दिखना चाहिए। इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी में मुझे लगता है कि यहाँ से 14470 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है स्पॉट लेवल पे। अगर ये लेवल वॉयलेट होता है तो निफ्टी में एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है सेलिंग प्रेशर, जो कि फिर 14400 की तरफ निफ्टी को नीचे की तरफ लेके जा सकता है। बैंक निफ्टी का सेटअप थोड़ा सा स्टेबल लगता है, मुझे लगता है जब तक बैंक निफ्टी में 32,300-32,280 ये लेवल स्पॉट लेवल पे नहीं टूटेगा, बैंक निफ्टी में अभी भी यहां से एक स्ट्रेंथ बनी हुई है और वापस से पुलबैक दे सकती है बैंक निफ्टी। एक बार बैंक निफ्टी अगर 32,750 के ऊपर वापस से आप रिगेन करता है तो मुझे लगता है कि वापस बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। ये रणनीति आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आती हुई दिखी है। जो हमारी सिस्टर सहयोगी चैनल है उसके ऊपर एक बहुत अहम खबर आपको चलती हुई दिखेगी, जो मैं आपको दोबारा स्क्रीन पर बता देता हूं। बैंकिंग सोर्सेज के हवाले से सीएनबीसी टीवी 18 पर जो खबर चल रही है वो आपको हमारे ट्विटर पर भी दिखेगी कि सरकार आरबीआई मतलब बैंकिंग सोर्सेज ने आरबीआई को कहा है कि भाई आप 3 महीने का और मोरेटोरियम दीजिए, और ये है रिटेल और एमएसएमई बोरोवर्स के लिए। आरबीआई को बहुत जल्दी रिलीफ अनाउंस करना चाहिए ताकि स्ट्रेस आपको बैंकिंग सेक्टर में ना बढ़ता हुआ दिखे। जिस हिसाब से आपको स्टेट के बाद स्टेट लॉकडाउन अनाउंस करता हुआ दिख रहा है और एक्सटेंड करता हुआ दिख रहा है, उस वजह से बैंकिंग सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आरबीआई से बैंक्स कह रहे हैं कि भाई आप जल्दी से रिलीफ अनाउंस कीजिए ताकि सिस्टम में और एनपीए का स्ट्रेस ना पड़े। और साथ ही साथ बैंकर्स ने ये बात भी कही है कि टॉप लोन जो टॉप अप लोन्स आप कॉर्पोरेट इंडिया को देते हैं उसके भी जो टर्म्स हैं वो और आसान किए जाएँ। इस वजह से आप चौतरफा सेलिंग आते हुए देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर पर। जुड़ेंगे अब अपने मित्र श्री राजेश पालविया साहब से। वीकनेस अगर आपको ट्रैक करनी हो पालविया साहब, तो एक ऐसा बैंक बताइए जहां पर आप शॉर्ट कॉल देना चाहेंगे, और फिर स्वागत करेंगे श्रीकांत चौहान साहब का। तो शैल जी देखिए, अगर हम वीकनेस देखें तो अभी जो वीकनेस इमीडिएट दिख रही है वो एचडीएफसी बैंक में दिख रही है, और इवन एचडीएफसी लिमिटेड में भी देखें तो उसका सेटअप भी थोड़ा वीक है कंपेरेटिव अदर प्राइवेट बैंक्स में। तो मुझे लगता है अगर शॉर्ट जाना है यहां से तो एचडीएफसी बैंक का सेटअप एक वीक लग रहा है। इसमें स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे शॉर्ट जाने के लिए वो आएगा करीब 1420 के आसपास, और नीचे के जो टारगेट है इसके सेटअप के हिसाब से दिख रहा है कि ये काफी क्रिटिकल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका 1370 के आसपास इसका एक सपोर्ट है। अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो फिर एचडीएफसी बैंक यहां से और प्रेशर क्रिएट कर सकता है और नीचे में और 1350 तक भी फिसलता हुआ दिख सकता है। तो करंट लेवल से 1420 का स्टॉप लॉस रखेंगे, टाइट स्टॉप लॉस रखें, 1370 पहला टारगेट होगा। बस याद रखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दो चीजें अगर आप देखें महत्वपूर्ण है, 14500 जो कि कल का सबसे बड़ा पुट राइटिंग का आंकड़ा था। याद रखिएगा कल 40,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस के शॉर्ट पुट थे 14500 पे, इसीलिए मैं शॉर्ट के बारे में नहीं सोच रहा था। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक का 32,000 पे 100 डेमा है। और एक और चीज याद रखिएगा 32, 32, 32, 2 इन तीन स्ट्राइक्स पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आ रहा था एचडीएफसी बैंक से जो कि अब सिंक होता हुआ। लेट्स ब्रिंग आईसीआईसीआई बैंक डेलो के स्तर पर आके ट्वीट करता हुआ श्रीकांत चौहान हमारे जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, इस वक्त बैंकिंग जो है वो आई थिंक इस खबर से जो नेगेटिव सरकार है उस पर पूरा रिएक्ट करता हुआ, आपकी अप्रोच दो इन नसीज में से किस पर आप शॉर्ट कॉल लेंगे, कोई पुट ऑप्शन लेंगे, या फिर विद इन द बैंकिंग कोई स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करना चाहें आप?
देखिए वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि वैसे मार्केट अभी काफी गिर चुका है, ये कुछ 720 के करीब था, अभी 500 के करीब आ चुका है। और मोस्टली मैंने देखा है कि अगर एक नॉर्मल अगर मार्केट होता है तो उसमें 150-200 पॉइंट का हमने अप एंड डाउन देखा है। तो अभी मुझे लग रहा है कि इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग शॉर्ट, अगर मुझे लगता है जैसे अभी राजेश जी ने भी बात की थी 470-480 के करीब मार्केट को काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग 6 की भी बात करें तो वहां पे भी काफी अच्छा सपोर्ट लाइंड अप है। और अगर कल के दिन में अगर आप देखें तो जब मार्केट गिरा था तो जो वीकली लोस थे 14,420 के, तो उसी के करीब मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो हमें लगता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट, अगर ये अगर 470-480 के करीब अगर निफ्टी मिलता है तो उसे लॉन्ग किया जा सकता है और 14,400 का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। नो डाउट कि बैंक निफ्टी में एक प्रेशर बनेगा इसके पीछे, लेकिन अगर आप देखें तो काफी सारे बैंक के स्टॉक एक सपोर्ट के करीब अवेलेबल है। तो जब तक निफ्टी 14,400 ना तोड़े तब तक मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट एक बार कोई लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं पैनिक में। चलिए, ये आपके सामने रणनीति आती हुई दिख रही है कम से कम निफ्टी पर। वीरेंद्र जी, आपकी इजाजत हो तो दो एफएनओ काउंटर्स ट्रैक करते हैं, इंफोसिस और एचडीएफसी, दोनों हैवीवेट्स हैं इंडेक्स पर और दोनों पर आपको दिन का न्यूनतम लेवल आते हुए दिख रहा है। इंफोसिस टूटता हुआ दिख रहा है लगभग 1333 की तरफ, आपको लाल निशान एचडीएफसी पर भी आता हुआ दिख रहा है। ये दो हैवीवेट काउंटर्स हैं, साथ ही साथ दिन के न्यूनतम लेवल पर अब रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आपको ट्रैक करता हुआ दिखेगा। यहां पर जो प्राइस है वह है लगभग 1920, तो सेलिंग प्रेशर बहुत जबरदस्त तरीके से पाइल अप होता हुआ 14,514 के आसपास फिलहाल निफ्टी पर 120 अंक नीचे। वीरेंद्र जी, एचडीएफसी से शैली, जो आपने स्टॉक मार्क किया ना, बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आपने इस स्टॉक को मार्क किया है। मैं जरा एचडीएफसी का प्लीज डायरेक्टर साहब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर लेके आइएगा, याद रखिएगा यहाँ पे इस रेंज में इसने कल का लो और साथ ही साथ 29 जनवरी का लो सिमिलर है, लेकिन उस वक्त 200 डेमा काफी दूर था, इस बार 200 डेमा बेहद नजदीक है। राजेश पालवे जी, कोई पुट ऑप्शन 2350 का, आई मीन थर्ड ब्रेकडाउन या फिर थर्ड जो डेंट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फाइनल वन भी होता है, टेक्निकल्स में ही कहा जाता है। कोई पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे आप एचडीएफसी की, अगर डाउनसाइड 2350 की पुट? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए दोनों एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों में एक प्रेशर बना हुआ, और जिस तरीके से प्रेशर बना है मुझे लगता है कि दोनों एक क्रिटिकल जंक्चर के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है एचडीएफसी में जैसे ही ये लेवल 2370 के आसपास का लेवल टूटता हुआ दिखेगा तो बिल्कुल ये स्टॉक में एक बड़ी सेलिंग भी बन सकती है। तो करंट लेवल से बिल्कुल पुट ले लिया जा सकता है, 2350 के आसपास का पुट हम बाय किया जा सकता है जो कि अभी 63 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रख ले करीब 50 रुपए के आसपास, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है ये, और टारगेट जो हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 75 से लेके 80 रुपीज तक के। तो एचडीएफसी लिमिटेड भी यहां से एक वीक स्टॉक लग रहा है और मुझे लगता है कि ये भी एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। जी हाँ, आप इस वक्त एनबीएफसी, देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो छोटा नहीं है, हमें इसका पूरी की पूरी अगर आप देखें बैंकिंग प्रणाली पे और हाउसिंग फाइनेंस जो एनबीएफसी है उस पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेट्स ब्रिंग श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ठीक एचडीएफसी जैसा अगर आप देखें चार्ट है और इसका ब्रेक जो एक बेस आता है ना वो आता है करीब करीब 1274 के जोन में। आपकी राय संकल्प, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को आप शॉर्ट करेंगे क्या या फिर कोई पुट ऑप्शन? और उसके पुट ऑप्शंस में थोड़ी सी लिक्विडिटी कम होती है लेकिन एक बड़ा वाजिब ट्रेड लगा है शॉर्ट के लिए, आपकी आपका टेक इस पर? श्रीराम ट्रांसपोर्ट सर मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था ये न्यूज आने से पहले लॉन्ग देने के लिए, इंट्राडे के लिए। फॉर्चुनेटली मैंने नहीं दिया, मुझको एमएनएम शॉर्ट ज्यादा रिवॉर्डिंग लग रही थी उस टाइम पे, बट इस वक्त नो डाउट ये बहुत वीक लग रहा है, इसने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच किए हैं एंड जिस हिसाब का इसमें वॉल्यूम आ रहा है और जिस फिरोसिटी से नीचे जा रहा है इसमें आपको एटीएम जो ऑप्शन है वो भी रिवॉर्ड कर सकते हैं और हम इमीडिएटली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1270-1250 के टारगेट्स के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं और इसमें बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस हम 1300 का रखेंगे और इट लुक्स गुड ऑन द डाउन साइड। चलिए, ये तो कुछ ट्रेड जो है जहां पर आप फिलहाल इस बिकवाली का बढ़िया फायदा उठा सकते हैं, लेकिन क्योंकि पेपर सेक्टर में आपको एक बहुत बढ़िया तेजी आती हुई दिख रही है, ये एक काउंटर है जो फिलहाल हिला नहीं है और बहुत ही जानी मानी कंपनी है। डेट साहब लेके आइए सेंचुरी टेक्सटाइल्स का चार्ट, आपके सामने दिन का न्यूनतम लेवल है 780
और इस कंपनी के अंदर आप देखिए बहुत बढ़िया पेपर का बिजनेस है, सेंचुरी पेपर करके बहुत बढ़िया स्टॉक है, और जानी मानी आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। जुड़ते हैं एकदम मयूरेश जोशी साहब से, उनसे पूछेंगे कोई रणनीति वो सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर सेट कर पाए इस लेवल पर जहां पर दिन का न्यूनतम प्राइस आपके सामने 480 है, वॉल्यूम शानदार, फिलहाल 8 लाख शेयर आपके सामने सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर। पेपर बिजनेस कैसा है इसका मयूरेश जी? बिल्कुल, आई थिंक अगर आप तीन सेगमेंट्स में इनको तोड़े शेल्सर, आई थिंक पेपर बिजनेस, पल्प बिजनेस, पेपर एंड पल्प बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस और रियल एस्टेट बिजनेस। अगर मैं पेपर बिजनेस की बात करूं तो आई थिंक जो परफॉर्मेंस था पिछले तिमाही में एक बहुत अच्छी रिकवरी हुई थी, क्योंकि कैपिटलाइजेशन यूटिलाइजेशन 90% के ऊपर देखने मिला था, और जैसे हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर एज वेल, जो स्कूल है आई थिंक पेपर का यूसेज तो हो ही रहा है, आई थिंक दैट शुड प्रॉब्ली गेट डिमांड बैक इन द सेकंड हाफ। आई थिंक जो EBITDA मार्जिन स्पेसिफिकली पेपर ऑफ पल्प से दे शुड रिवर्ट बैक टू मीन इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। जो टेक्सटाइल डिवीजन है वहां पर भी आई थिंक रिकवरी काफी जोरदार देखने मिली थी। ये बेसिकली है जो होम टेक्सटाइल या होम अपैरल होता है और अपैरल फैब्रिक, यहाँ दोनों से आई थिंक एक ट्रैक्शन मिला था, और इसके वजह से आई थिंक जो भी मिटिगेशन होती है रॉ मटेरियल इनपुट प्राइस कॉस्ट की, कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से आई थिंक वो पास होगा, क्योंकि डिमांड भी आई थिंक जबरदस्त है। रियल स्टेट बिजनेस इज कमिंग बैक स्लोली एंड स्टेडी, आई थिंक जो अर्ली का प्रोजेक्ट है आई थिंक थोड़ा लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया है, एज वेल अदर प्रोजेक्ट्स इन बैंगलोर एंड अदर सिटीज एज वेल, बट मुझे लगता है आई थिंक इन सम ऑफ पार्ट्स अगर हम तीनों बिजनेसेस को जोड़ के देखें और लंबे नजरिए का व्यू हो तो आई थिंक सेकेंड हाफ से आई थिंक जो रिकवरी आनी चाहिए आई थिंक बहुत जोरदार रहेगी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ EBITDA मार्जिन्स। तो बिल्कुल तगड़ी कंपनी है एंड जो बिजनेस पर्सपेक्टिव्स है विद एवरीथिंग इन प्लेस, इवन डेट इक्विटी शेल्सर इज अराउंड 0.3-0.4, आई थिंक दैट शुड ऑल्सो स्टार्ट इंप्रूविंग एज अ रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट गेटिंग ट्रैक्शन अलॉन्ग विद पेपर कंपनी प्लेस। जी, तो अगर आप पेपर बिजनेस ट्रैक करना चाहते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल्स का तो ध्यान दीजिए इस काउंटर पर, क्योंकि जब से यहाँ पर सीमेंट का बिजनेस अपनी अल्ट्राटेक को बेच दिया गया है तो ये कंपनी सिर्फ दो ही बिजनेसेस में अब रह चुकी है, रियल एस्टेट और पेपर। तो ये तो बात थी एक बहुत बढ़िया स्टॉक की जो आपको फिलहाल 480 रुपए के आसपास मिलता हुआ दिख रहा है। और कहां मोमेंटम आपको दिख रहा है वीरेन जी? हल्का सा लाल निशान आपको पिडिलाइट पर भी आता हुआ दिखेगा, ये काउंटर दिन के उच्चतम लेवल पर काफी समय से ट्रेड कर रहा था लेकिन ये बिकवाली अब इसको लेके गई है लगातार चौथे दिन नीचे, और 1795 पर आपको दिखेगी 50 EMA, तो शायद वहां से ये काउंटर सपोर्ट लेता हुआ दिखे। जी हाँ, पिडिलाइट आपकी स्क्रीन पे इस वक्त जहां पे जो लो लगाया है इसने, आप यकीन मानिए वो इसका एक बहुत क्रिटिकल एवरेज है और वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1797 पे, जिसको इस तरह आप समझ लीजिए कि 22 मार्च से लेकर अब तक क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड नहीं किया, वॉलेट नहीं किया है। लेकिन याद रखिएगा इस वक्त पिडिलाइट डी लो पर ट्रेड करता हुआ, लेकिन इस बीच आप पूरे डॉक्टर साहब प्लीज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेके आइएगा, डी लो पर ट्रेड करता हुआ 15480 पे, तो बैंक्स पे और साथ ही साथ आपका स्पेशली अगर देखें तो एनबीएफसी पे काफी बड़ा देखें जिस पर दबाव पड़ रहा है, HDFC डी लो पर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस डी लो पर, M&M फाइनेंस डी लो पर, सारी की सारी अगर आप देखेंगे पूरी बास्केट जो है वो डी लो पर ट्रेड करते हुए। अब चलते हैं मेरे सहयोगी यतिन के पास और बात करते हैं टाटा स्टील, यानी इस दौर की अगर आप देखें मेटल्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस रहा, और विद इन द मेटल्स अगर आप देखें तो एक सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं, नंबर्स कैसे रहेंगे यतिन? गुड आफ्टरनून, टाटा स्टील की नंबर्स क्या एक्सपेक्टेशन है यतिन? तो देखिए जहां तक टाटा स्टील का सवाल है बहुत जबरदस्त एक्सपेक्टेशन है, अगर आप रेवेन्यूज की बात करें यानी बिक्री की बात करें तो लगभग 40% का उछाल यहां देखने को मिलेगा, कंसोलिडेटेड बेसिस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 47,000 करोड़ की टॉप लाइन हो सकती है। जहां तक की ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सवाल है क्योंकि रियलाइजेशन बहुत जबरदस्त है, दाम स्टील के एकदम गर्म है मार्केट प्लेस में, तो अगर आप EBITDA की बात करें तो लगभग 13,400 करोड़ का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं EBITDA लेवल पे, आपको मार्जिन बहुत बढ़िया आते हुए दिखेगा। मार्जिन की अगर आप बात करें तो 28% का मार्जिन एक्सपेक्ट करेंगे जो कि दुगना है पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल हालांकि लॉकडाउन था और सिचुएशन काफी ग्रिम थी, मार्जिन काफी नीचे थे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा टर्न अराउंड मार्जिन की तरफ। और जहां तक कि मुनाफे का सवाल है, 7,050 जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में नुकसान थी कंपनी का, उससे बहुत ज्यादा यहाँ मुनाफा आप देख सकते हैं, तो एक रिकॉर्ड $1 बिलियन का कहूंगा
कि मुनाफा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा स्टील का कंसोलिडेटेड बेसिस पे। जहां तक की वॉल्यूम्स का सवाल है, चौथी तिमाही में हमने देखा कि 16% का जो इंडियन बिजनेस है वहां वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए दिखेगा। और जहां तक की यूरोपियन बिजनेस का सवाल है, हम लोग सेल्स वॉल्यूम पे यहां भी नजरें रखेंगे क्योंकि यूरोपियन एबिटा एस्टिमेट है लगभग $105 प्रति टन। तो ये एक आंकड़ा जो है वो हम बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि यूरोपियन बिजनेस काफी समय बाद प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ दौड़ने में कामयाब हुआ है और यूरोपियन पे बिजनेस पे मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी टाटा स्टील के नंबर्स के हिसाब से। ओके, तो ये टाटा स्टील की अगर आप देखें आपकी एक्सपेक्टेशन है और आपके स्क्रीन पर आप देखें तो ये नंबर्स हैं, कोई नंबर्स जो कि ये दिन एक्सपेक्टेशन जाहिर कर रहे हैं स्ट्रीट की 1066 पे ट्रेड करता है। याद रखिएगा प्रायर टू नंबर्स ये स्टॉक एक बहुत बड़ा मूव ले चुका है 1065 के स्तर पे। हालांकि अगर आप देखें जो प्राइसिंग टू नंबर्स है इंडस्ट्री का उसमें कोई ग्राय नहीं कि भी आप देखें ये बाजार के लिए सबसे कंफर्टेबल स्पेस होगा। ऑल दो एक बहुत लॉजिकल स्टॉप लॉस ले लेते हैं यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन के लिए और उसके बाद चलते हैं इतन के पास फिर ग्रीन रूम चेक के लिए। राजेश पालवे जी, एक बहुत लॉजिकल स्टॉप लॉस अगर अपनी पोजीशन पर रखना हो आपको क्योंकि एवरेजेस बहुत नीचे हैं, इवन 10 डे में 996 के जोन में आ रहा है जो कि बहुत दूर है, एज पर पुट ऑप्शंस एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा अगर मुझे अपना प्रायर टू अर्निंग्स इस स्टॉक को लॉन्ग साइड पे रखना है तो? बिल्कुल वीरेन जी, आपने बताया स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो चार्ट के हिसाब से तो काफी दूर है और अगर हम डेटा के हिसाब से भी देखें तो भी स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो करीब बनेगा 1020 के आसपास, तो करंट लेवल से 3-4% नीचे का स्टॉप लॉस बनता है। तो पोजीशन अगर जिनकी भी है होल्ड है, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके का रन अप है तो मोस्ट ऑफ द पोजीशन लॉन्ग साइड की जरूर होगी इस स्टॉक्स में, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए, 1020 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और वो स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक होता है तो स्टॉक में जो मोमेंटम बना हुआ है, जो तेजी बनी हुई है वो बरकरार रहेगी और फिर स्टॉक ऊपर के भी टारगेट 1100 के ऊपर के टारगेट भी दिखा सकता है। बट अभी यहां से करंट लेवल से मैं 1020 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा कोई भी लॉन्ग पोजिशन अगर आप कैरी कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं तो। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है टाटा स्टील पर। लेट साहब एक और स्क्रीन पर ला दीजिए टाटा स्टील बीएसएल। ये स्टॉक मैं बार बार इसीलिए मार्क करता हूं क्योंकि यहां पर आपको 15:1 का रेशियो आता हुआ दिख रहा है और जो गिरावट आपने टाटा स्टील में देखी है उससे बहुत ज्यादा गिरावट टाटा स्टील बीएसएल में इसलिए यह है क्योंकि रैली जो आपने अगर पिछले 5-7 दिन में देखी है वो इस काउंटर पर जबरदस्त थी, इस पर आपको ध्यान देना है। और ये एडजस्ट कर रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग जो कि इन दोनों कंपनीज के बीच में है 15:1, यानी कि हर टाटा स्टील के शेयर पर आपको 15 स्टील शेयर टाटा बीएसएल के मिलेंगे। चलिए, बाजार में गिरावट अब बढ़ती हुई 150 अंक नीचे निफ्टी 14485 और 200 अंक का लाल निशान 32270 पर बैंक निफ्टी। मेरे ख्याल से दिन का उच्चतम लेवल था 33,000, तो आप समझिए कि लगभग 750 पॉइंट का कट आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। काफी काउंटर्स दिन के लोवेस्ट लेवल, एक्सिस बैंक 702, टाटा केमिकल 709, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर आपको 407 का प्राइस दिखेगा, एचसीएल टेक 904 और फिलहाल टाटा मोटर्स भी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 288.40 पर। ये फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा सेलिंग प्रेशर आप मंगलवार के दिन पर आते हुए देख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज जो कि एक शॉर्ट ट्रेड हमारे मित्र प्रकाश गाबा साहब ने दिया था वो 1284 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। समस्याएं गंभीर आपको होती हुई दिखेंगी रियल एस्टेट मार्केट पर और वो इसलिए क्योंकि ये जो लॉकडाउन है ये बिल्कुल भी रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। गाबा साहब, दोबारा एनालाइज कीजिए गोदरेज प्रॉपर्टीज को। गोदरेज प्रॉपर्टीज में अब भी वीकनेस काफी हद तक क्लियर है, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, जो उसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है ये रिवर्सल पैटर्न है, तो मुझे लगता है और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। मेरा पहला टारगेट था 1250 का, लेकिन मुझे लगता है वहां पर भी नहीं रुकेगा। आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर हम 1200 भी देखें, चार्ट स्ट्रक्चर जो हमने मूव देखा है फ्रॉम 200 ये लग रहा है रिएक्टिव ऑफ मूव, 40 की लग रही है कि ऊपर तो क्या हो लेकिन नीचे आने के लिए, तो ऐसा ही नजर आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज को।
अच्छा, एक गोदरेज प्रॉपर्टी का शॉर्ट ट्रेड हो गया, दूसरा संकेत में अगर आप देखें संकल्प जी ने माफ कीजिएगा जो ट्रेड लिया था शॉर्ट साइड पे यानी एमएनएम की पुट ऑप्शन उन्होंने दी थी 28 पे एमएनएम की पुट, और याद रखिएगा वो डे हाई पर ट्रेड करते हैं, मेरे ख्याल से 28 पे दी थी। डायरेक्टर साहब प्लीज जरा वो पुट ऑप्शन का स्ट्राइक लिख आइएगा, एमएनएम की पुट 28 पे थी, 33 पे मेरे ख्याल से लास्ट कोटेड प्राइस था जो मैंने देखा था, दैट्स अ गुड ट्रेड। और हालांकि टारगेट बहुत ही नजदीक है क्योंकि शेयर ने पिछले 10-15 मिनट में ही एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री दिखाई है, लेकिन डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 152 से लेकर 154 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश शॉर्ट्स देखे गए हैं और ओपन इंटरेस्ट में देखिए डबल डिजिट का गेन आता हुआ दिखाई दिया, लगभग 17% का डिक्लाइन यहाँ देखने को मिला है जहां तक की ओपन इंटरेस्ट का सवाल है। दूसरा स्टॉक जहां डीलिंग रूम्स अपना पैसा फोकस कर रहे हैं उसमें है डीईएल। यहाँ एक पोजिशनल बाय कॉल आ रही है डीलिंग रूम्स की तरफ से, और अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें तो आज लगभग 10% का एडिशन हुआ है, फ्रेश लॉन्ग देखे गए हैं और पोजिशनली यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि लगभग 5-7% का ट्रेडिंग अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे भी काफी अच्छी बाइंग आज के सत्र में हमको पीएसयू स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। पीएसयू में अच्छी तेजी है तो बीईएल अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली बहुत साउंड स्टॉक है, उसमें कोई दुराई नहीं है। और साथ ही साथ एमएनएम फाइनेंशियल शॉर्ट कॉल एक बहुत वीक स्ट्रक्चर है, और जो इनफैक्ट अभी कुछ देर से खबर जो हम दिखा रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए और तमाम एनबीएफसी के लिए अच्छी खबर नहीं है, तो एमएनएम फाइनेंशियल आपकी स्क्रीन पर, ये पहले भी बहुत एक वीक चार्ट था। संकल्प जी आई होप आपका वो एचडीएफसी का जो सॉरी एमएनएम का जो ट्रेड है वो बहुत अच्छा रहा, आप इसे स्क्वायर ऑफ करेंगे या फिर अभी किसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैरी करेंगे? मैं पर्सनली सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, बट अगर हमारे पास थोड़ी सी क्वांटिटी है मतलब एक लॉट से ज्यादा है तो आई वुड रियली एडवाइज 3440 का अभी पुट ने हाई कर लिया ऑलरेडी, 28 मिड हमारी बाइंग थी, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है स्टॉक भी, अगर किसी ने फ्यूचर में भी ट्रेड किया तो 12 रुपए करेक्ट हो गया है विच इज अ गुड करेक्शन इंट्राडे वाइज। तो अगर किसी को स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो आप उसको 30 पे लेके आ सकते हैं, एंड आई वुड एडवाइज अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो एक दो लॉट आप 34 पे स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। चलिए तो ये आपको ट्रेड जो है समाप्त होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर कम से कम आधा मुनाफा तो जरूर वसूल करें ये आपको राय देते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र संकल्प चतुर्वेदी साहब। शॉर्ट कॉल आपको 2 बजे मिला था एमएनएम पर जो कि अब बढ़िया तरीके से काम करता हुआ 740 का पुट खरीदा गया था। वीरेंद्र जी जरा देखते हैं कहाँ मोमेंटम अभी भी बचा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, मेरे ख्याल से आपको पीएसयू बैंकिंग बास्केट चहकती हुई दिखेगी। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स जो आपके सामने स्क्रीन पर है, सुबह हमने लगभग 5.5% की तेजी देखी थी, अब आपके सामने सिर्फ 3.75% ऊपर है ये 2110 पर। निफ्टी का सीपीएसई इंडेक्स अब फ्लैट हो चुका है, 1820 का प्राइस आपके सामने है। निफ्टी का पीएससी इंडेक्स भी इसी तरीके से आपको 3198 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सुबह कुछ खबरें आई थी हमारे सामने जो डील कर रही थी फाइबर बोर्ड से, आपको नीरज जी आपको बड़े दिनों बाद जुड़ते हुए दिखे थे लक्ष्मण जी, और उन्होंने चर्चा करी थी कि कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। रुशील डेकोर आपके सामने 194.85 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, दिन का उच्चतम लेवल जब आप पूरे बाजार में जबरदस्त करेक्शन आते हुए देख रहे हैं। और कहां फिलहाल गिरावट आती हुई दिख रही है, मैं सिर्फ प्राइसेस मार्क कर रहा हूं क्योंकि अब 225 पॉइंट निफ्टी करेक्ट हो गया है, यहां पर शॉर्ट लेना शायद एक ठीक ट्रेड नहीं होगा। डीएलएफ दिन का न्यूनतम लेवल 245.60 मौका दे रहा है, ये बिल्कुल गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरह आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दिन का न्यूनतम लेवल आप देख रहे हैं इंडिगो के स्टॉक पर 1621, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा शेयर है जहां पर हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहां पर आप सेलिंग और होते हुए देख सकते हैं।
जुड़ेंगे अपने मित्र श्री राजेश पालिया साहब से। पालिया साहब, कुछ रणनीति आपके पास हो इंडिगो के स्टॉक पर, फिलहाल प्राइस है यहाँ पर 1619। जी शैल जी, बिल्कुल, ये स्टॉक में जो पिछले दिनों में एक अपमूव बना था, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन जो था इसका करीब 1660-70 की जोन में, वहीं से वापस से स्टॉक में एक सप्लाई बनते हुए दिख रहा है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से अभी लगता है कि ये स्टॉक जैसे ही 1615 का लेवल तोड़ेगा, हालांकि अब स्टॉक में एक इंट्राडे बेसिस पे 3% के आसपास का करेक्शन हो चुका है, बट फिर भी चार्ट पैटर्न में दिखाता है कि 1615 का लेवल टूटेगा तो फिर सेलिंग प्रेशर और भी एक्सटेंड हो सकता है स्टॉक में, जो कि इसको फिर 1570 इवन 1550 की तरफ भी नीचे लेके जा सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर ले, 5-6 रुपए और अगर ये टूटता है करंट लेवल से तो उसके बाद इसको फिर एसटीबीटी ट्रेड भी लेके जा सकता है। फ्यूचर में अगर लेवल की बात करें, मैंने स्टॉक लेवल की बात की, फ्यूचर में 1605 का लेवल टूटेगा तो हम इसमें शॉर्ट पोजीशन कैरी करके लेके जाएंगे। ओके, इंटरग्लोबल एविएशन पे आपने आउटलुक सुना भसीन साहब का, सॉरी पालवी साहब का। भसीन साहब जुड़े हैं हमारे साथ कुछ देर में, तो उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन के पास एक मिड कैप का स्टॉक और है, उस पर व्यू लेते हैं। यतिन, मिड कैप में खास क्या? देखिए मीरू, मिड कैप में नजरें हैं आसाई इंडिया पे, और यहाँ डीलिंग उसको लगता है कि स्टॉक में 10-15% का ट्रेडिंग अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है। इसका बड़ा रीजन ये है कि जो ब्रोकरेजेस की नोट आ रही है, और एक मैं IIFL का नोट पढ़ रहा था इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज का, तो लगभग 30 से 40 करोड़ की यहाँ बाइंग आ सकती है MSCI में, क्योंकि ये सब शेयर जो है शायद MSCI के मिड कैप इंडेक्सेस में शामिल होंगे। तो MSCI का एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है आसाई इंडिया के लिए, बहुत बेहतरीन। ये ऑटो एंसिलरी है और ये कंपनी मारुति के साथ काफी अच्छा कारोबार करती है और काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो आसाई इंडिया में जो है डीलिंग, उसको लगता है कि लगभग 350 से 360 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा MSCI का इवेंट जो है आने वाले दिनों में इसमें दिख सकता है। अगर आप देखें 300 किस तरह ट्रेड करता हुआ, करीब 2.5% ऊपर यहाँ पर तेजी डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए, और उनसे आइए उनके टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स को समझते हैं टर्बुलेंस के बीच में। हसीन साहब, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपकी। सर, आज की अप्रोच क्या रहेगी, आई मीन इस डिप में, और इस डिप में आप एग्जैक्टली क्या एक्युमुलेट करना चाहेंगे, और सर कोई शॉर्टिंग का कैंडिडेट आपने इस बाजार में अगर ढूंढा है तो एक बार सर वो भी शेयर कीजिएगा प्लीज हमारे साथ। तो नहीं वीरू, ये तो लेने वाले समय है, अब ये वॉलिटिलिटी डेली आपको उतार चढ़ाव दिखाएगी, बट यू आर पास द पीक ऑफ कोविड, आई वुड एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 2 वीक्स दे विल बी प्लेटोइंग, दैट डजंट मीन दैट द मार्केट विल कम बैक, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ इफ आई एम लुकिंग एट 15,000 एंड बियॉन्ड, देन आई एम गोइंग टू बाय गुड स्टॉक्स, और गुड स्टॉक्स में दो नाम ले रहा हूं। M&M, आज आपने आपके ही चैनल पे आया कि ब्रिटेन इज टॉकिंग ऑफ रिमूविंग टैरिफ्स विद इंडिया, M&M लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर on Tech Mahindra is British Telecom, and their auto sales will be very largely impacted because they have a very big tie up there. So Tech Mahindra would be my favorite pick over here. Extremely well managed companies, and this British Telecom news could be a very big re-rater. 960 ka bhav hai, 945 ka stop loss rakhiye, 1000 se 1020 ka target. Aur M&M, unhone pehle hi aapko bata diya 10 May tak band hai, ek hafte mein khul jayegi, aur tractor sales, SUV sales will be back to normal. The pent-up demand of 1.5 months will come back so strongly by the end of this month and June that you will be left on the side. So buy M&M around the 735, 740, 38. Keep a stop loss of 725. Look for targets of 785. तो भसीन साहब, एक ही ट्रेड होगा M&M का मेरे ख्याल से, भसीन साहब ने हमेशा की तरह M&M और टेक महिंद्रा सर, और वहां जी 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 ठीक ठीक भसीन साहब, एक्चुअली हम लोगों ने एक 2 बजे शॉर्ट ट्रेड दिया था जी भसीन साहब, टेक महिंद्रा और M&M आपने 2 लॉन्ग ट्रेड्स दिए हैं। तो वीरेन जी, बहुत सही समय पर हम लोगों ने M&M का एक शॉर्ट ट्रेड जो था संकल्प जी का निपटा दिया, और देखिए जैसे ही वो ट्रेड शॉर्ट की तरफ आपको खत्म होता हुआ दिखा, एक लॉन्ग कॉल जनरेट होती हुई दिख रही है M&M पर। अब ध्यान डालते हैं उन काउंटर्स पर जहां पर 3:05 के आसपास आपको और बिकवाली बढ़ती हुई दिख रही है। वीरेन जी, आप एनालाइज करना चाहेंगे हैवेल्स इंडिया, दिन का लोएस्ट लेवल 982।
जी हैवेल्स इंडिया शैल जी, कल मुझे इसमें एक्सपेक्टेशन थी, हालांकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ये अपने 100 एमआ को रिगेन कर जाएगा, लेकिन कैंडल रिवर्स हो गई। ऑल दो ये एक कंटिन्यूशन है, याद रखिएगा, कल की कैंडल ने रिवर्सल तो दिया था, लेकिन वो एक कैंडल रिवर्सल नहीं था, कल 100 एमआ को रिगेन कर लिया था। लेकिन आपकी राय प्रकाश करवा सर, अब इसके सारे एवरेजेस नीचे झूलते हुए सारे के सारे एवरेजेस, और बस किसी तरीके से ये वो 960-967 का जोन होल्ड कर रहा है, आपका टेक क्या होगा? आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, एक शॉर्ट का भी रखते हैं क्या हैवेल्स पे? प्रकाश सर, हैवेल्स की बात करें, राइट आप हैवेल्स का जो जब मैं चार्ट देखता हूं तो उसके हिसाब से लगता है कि ये वीकनेस है और ये परसिस्ट करेगी। इतना है कि 1020 का ये जोन है, उतना स्टॉप लॉस जरूरी है। स्ट्रक्चरली लगता है अब थोड़ा साइडवेज है, वीक बायस है, 950 का जोन देख सकते हैं, और एक बार 950 चला गया तो और लेवल टूटेंगे। अब साइडवेज जोन पर है विद अ बेरिश बायस, लेकिन ट्रेड ये रणनीति आपके सामने हैवेल्स पर आती हुई दिख चुकी है। 3:07 हो चुके हैं और बिकवाली का सत्र जो है वो फिलहाल मंगलवार के दिन आपको भारी होता हुआ दिख रहा है। काफी जगह मुनाफा वसूली फिलहाल स्क्रीन पर। BHEL जो काउंटर आपने 46 रुपए से 55 रुपए तक जाता हुआ दिखा था, वहां पर भी मुनाफा वसूली आपको हल्की सी आती हुई दिख रही है। फिलहाल आपके सामने 52.50 रुपए का प्राइस है। बिकवाली HDFC में भारी होती हुई और HDFC लाइफ जो इसकी इंश्योरेंस प्ले है वो भी आपको दिन के न्यूनतम लेवल पर ट्रेड करती हुई दिखेगी, 669.70 और लगभग 2377 का भाव आपके सामने HDFC पर आता हुआ दिख रहा है। ये है फिलहाल कहानी जहां पर आप बिकवाली होते हुए देख रहे हैं। चलिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही समय है BTST ट्रेड का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन एक बार निफ्टी का जो चेक है श्रीकांत चौहान साहब से करवा लेते हैं। 150 अंक नीचे चौहान साहब, 14,500 के आसपास, बताइए क्या करना है निफ्टी पर फिलहाल? देखिए शैली, वैसे इस मार्केट में अगर आप देखें तो पैनिक में अगर आप पैनिक करते हो तो लॉस होता है, और तेजी में अगर तेजी कर लेते हो तो लॉस होता है, क्योंकि 15,400 से जब से मार्केट ने अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल को छोड़ा है तब से अगर आप देखें तो मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया है, और भारी पैनिक में ये रिकवर हो जाता है और भारी अच्छे मार्केट में ये रिवर्स भी हो जाता है। मुझे लगता है कि आज के दिन में भी अच्छा पैनिक हुआ है और 720 से लेकर 470 के लेवल हमने देखे हैं। मुझे लगता है कि 14,400 के कॉल ऑप्शंस लॉन्ग किए जा सकते हैं, जो 150-160 के करीब मिल रहे हैं, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है तकरीबन 70-80 रुपए का, और जो टारगेट्स रहेंगे वापस रहेंगे 250 से लेकर 350 के। मुझे लगता है कि शायद मार्केट यहाँ पे एक हायर बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना के वापस एक बार एक्टिविटी दिखा सकता है। तो ये अगर आप देखें निफ्टी पे आपका आउटलुक है, याद रखिएगा बहुत आसान नहीं है निफ्टी को इस वक्त लॉन्ग करना और शॉर्ट करना और कैरी करना। मैं आया था 2 बजे ये सोचकर कि 14,700 की कॉल लूंगा, लेकिन मैंने नहीं ली। कारण क्या था? मेरे पे डेटा था लेकिन खबर अभी कुछ ऐसी थी, और दूसरी बात यह है कि हम, याद रखिएगा, 2 एवरेजेस के बिल्कुल इर्द गिर्द है, 20 डेमा, 10 डेमा और 50 डेमा, ये बड़े क्रिटिकल एवरेजेस है, कभी भी बड़ा उलट पलट हो सकता है। तो स्टे न्यूट्रल और स्टे लाइट और ऑप्शंस के थ्रू इंट्राडे में वीकली कॉल्स के जरिए खेलिए बस, अगर लॉजिक समझ में आए तो। अभी बाजार को एक स्ट्रांग मैसेज देना है, वी आर हार्डली इन थर्ड डे ऑफ सीरीज। चंदन थापड़िया हमारे साथ तो जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। चंदन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। थोड़ा वीक पड़ता हुआ बाजार, स्पेशली NBFCs काफी वीक पड़ रही हैं, आपके इस वक्त का ट्रेड क्या होगा चंदन? बिल्कुल, देखिए बाजार में ऊपर की लेवल से बिकवाली हुई है, बट अगेन सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक वाला मार्केट है पूरा। 3-4 काउंटर रेडार पे है, जैसे SRF, IDFC लिमिटेड, ICICI प्रू। SRF पे यहाँ पे हम BTST की राय दे रहे हैं, स्टॉक में काफी अच्छा एक प्राइस मोमेंटम आज देखने को मिला है, और वॉल्यूम्स है वो रिमार्केबल है, और ऐसे मार्केट में भी काउंटर में 20% का ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर में देखने को मिल रहा है, जो साफ संकेत दे रहा है कि 4-5% की रैली रूल आउट नहीं हो सकती है। और बाजार के वीकनेस के बावजूद स्ट्रेंथ है वो क्लियरली अपने आप की आउट परफॉर्मेंस बता रहा है, तो 6580 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे SRF खरीदने की सलाह दे रहे हैं, यहाँ पे 6,950-7,000 तक के अपसाइड बनने चाहिए। ये रणनीति SRF में आती हुई, और ध्यान रहे नतीजों से पहले आपको ये काउंटर फ्रेश रिकॉर्ड टेरिटरी में आता हुआ दिख रहा है, बुलिश
यहाँ पर आपको पहली कॉल मिली थी लगभग 2 बजे, हाईएस्ट लेवल आपने यहाँ पर आते हुए देखा 6,807 का, और अब इस डिप को खरीदवाते हुए दिख रहे हैं चंदन जी 6,690 आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं BTST ट्रेड्स का या STBT ट्रेड्स का। मेरे ख्याल से आज असित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिलहाल, अगर हाँ तो उनसे सबसे पहले जुड़ेंगे, लेकिन पहले पालविया साहब बताइए क्या रणनीति, कहाँ ध्यान कहाँ रुझान, 3:11 क्या ट्रेड लेंगे बुधवार के लिए? सो शैल जी, मैं कैश सेगमेंट के स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा BTST में, और वो स्टॉक रहेगा साइंट। साइंट का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 1 घंटे में जिस तरीके से बाइंग एक्शन बनी है, और अगर इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करके अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। ओवरऑल स्टॉक का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और अभी जो बाइंग बनी है पिछले 1 घंटे में ये दिखाता है कि स्टॉक अब यहाँ से एक अच्छा मूव देते हुए दिखेगा। तो बिल्कुल BTST में इसको बाय करें, 800 से 810 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें आते हुए दिखना चाहिए, 760 के आसपास का स्टॉप लॉस हम इसमें सजेस्ट करेंगे। बेचने के लिए, लेकिन मैंने अवॉइड किया उसे। टाइटन में वीकनेस है, स्ट्रक्चरली वीक है, और लगता है कि लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं टाइटन में। मेरा टारगेट रहेगा 1350 का, और स्टॉप होगा 1440। मार्केट स्ट्रक्चरली वीक है तो हमको शॉर्टिंग कैंडिडेट्स ढूंढने चाहिए। सेल करेंगे, और टाइटल पे सुबह आज हम जब बात कर रहे थे ना, आशीष ने जब TBZ के नंबर्स को एक्सप्लेन किया था उसके बाद ही हमने टाइटल की बात की थी कि भाई टेक्निकली ये बहुत वीक स्ट्रक्चर है, और इस बार इसने एक बहुत स्ट्रांग सेल सिग्नल दिया है। याद रखिएगा, इसने बेस वॉल्यूट किया है, और जो कि बेस इसने मेंटेन किया था समझ लीजिए कि December 2020 से, उस बेस को इसने आज वॉल्यूट कर दिया है ऑलमोस्ट। इट्स नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 200 एक्सपेंशन लेवल, जो कि आता है करीब 1370 के जोन में, टारगेट रखा है यहाँ पर प्रकाश शर्मा 1350 का। श्रीकांत, आप कल के लिए क्या कैरी करेंगे? मुझे लगता है कि कमोडिटी स्पेस में काफी जगह है, और इस बार अगर आप देखें तो क्रूड प्राइसेस में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है, तकरीबन 68-69 के करीब अभी ब्रेंट क्रूड आ चुका है। तो अगर करंट लेवल से अगर कोई स्टॉक बाय करना है तो मुझे लगता है कि OMBC को बाय करके चल सकते हैं। कल के दिन में 106-107 के करीब इसने काफी अच्छा एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन किया था, आज उसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से OMBC को लॉन्ग करके चले, 107 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और 115 रुपए के टारगेट्स हम देख सकते हैं। एक लॉन्ग कॉल ONGC पर आता हुआ, फिलहाल हम लोग शॉर्ट ट्रेड ही ट्रैक कर रहे हैं, जिनमें से एक था टाइटन। जुड़ेंगे संकल्प चतुर्वेदी साहब से। संकल्प जी, बहुत ही शानदार आपने एक शॉर्ट कॉल M&M पर दी थी, 740 का पुट, बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब बताइए कल के सत्र के लिए आपको कहां मोमेंटम दिखता है, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड? शॉर्ट साइड ही दिख रहा है सर। मैं सुबह से जुबिलेंट फूड ट्रैक कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं फिक्स में था कि इसको इंट्राडे के लिए दूंगा BTST के लिए, मैंने उस टाइम M&M दे दिए। इसमें वीकनेस सुबह से कंटिन्यूड है, छोटी मोटी जो निफ्टी में हमने रिलीफ्स देखे थे वो, उनका इस पर कोई फर्क पड़ा नहीं। तो जुबिलेंट फूड की जो 2800 की पुट है उसको मैं कैरी करना चाहता हूँ। जिस टाइम मैंने आपकी टीम के साथ शेयर किया था तब 116 प्राइस चल रही थी, और इसने ऑलरेडी इंट्राडे हाई 124.40 का कर लिया है, तो इसमें हम कल के लिए टारगेट रख सकते हैं 134, एंड दूसरा टारगेट एक बार 158। इन दोनों के बीच में मेरे हिसाब से कहीं ओपनिंग होनी चाहिए, और इसमें स्टॉप लॉस होगा 102। चलिए, ये रणनीति जुबिलेंट फूड वर्क्स में आती हुई दिख रही है, वाकई काफी डार्क हरी ग्रीन लाल कैंडल आपके सामने, 2780 के आसपास काउंटर, और ये कोशिश कर रहा है कि अपने 100 DMA को बचा के रखे, जो कि आपको दिखेगा 2770 के आसपास। देखते हैं कल यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है या नहीं होती, फिलहाल संकल्प जी यही उम्मीद लगा रहे हैं। साथ ही साथ मैं दो चार्ट चेक्स करना चाहता हूँ स्क्रीन पर। डायरेक्टर साहब, लाइए मैरिको,
यहाँ पर बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है, आपको चौतरफा बिकवाली दिख रही है, लेकिन काउंटर रिकॉर्ड हाई पर रिकॉर्ड हाई लगाता हुआ दिख रहा है। अब फ्रेश मूवमेंट 441 रुपए, 461 रुपए के आसपास, और वॉल्यूम अगर आप देखें तो 72 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं 5 दिन की एवरेज के मुकाबले। कल भी यहां पर आपने जबरदस्त मोमेंटम देखा था जो ट्रैक किया था फिलहाल वीरेन जी ने। ये स्टॉक है जो आपको लॉन्ग साइड पर मूव करता हुआ दिख रहा है और ब्रेक डाउन होता हुआ दिख रहा है टाटा केमिकल में। दिन का लोएस्ट लेवल ये है लगभग 711 रुपए और वॉल्यूम देखते ही आपको बनती है लगभग 22 लाख शेयर। शॉर्ट कॉल यहां पर आज आशीष जी ने अपनी 2020 टीम में दी थी टाटा केमिकल्स पर। ये दो काउंटर्स हैं जहां पर आपको ध्यान देना है। अब जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, आपकी स्टॉक कॉल। जी सर जी, बिल्कुल, हमने एसआरएफ की बात की और एसआरएफ पे बीटीएसटी यहां पे सजेस्ट कर चुके 6580 के स्टॉप लॉस से 7000 के टारगेट्स, और उसके अलावा आपने मेरिको की बात की, वो भी अच्छा लग रहा है, उसमें भी लगभग 472-75 तक के अपसाइड बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें आपको कन्विक्शन आ रहा है इस स्टॉक पे, और आज आशीष की टीम आपकी स्क्रीन पे है भी, अगर देखें टाटा केमिकल सेल था, सेल पे गजब का अगर आप देखें स्विंग मिला, और एसआरएफ केमिकल्स को इससे दूसरा स्टॉक 6693 के स्तर पे थोड़ा डेंट पड़ा था बाद में, लेकिन और मैरिको आई मीन कल के अर्निंग्स के बाद क्या गजब का मूव दिया इसने। अच्छा, मयूरेश जी से बात करते हैं और उनसे भी एक उनका टॉप कन्विक्शन ट्रेड फॉर स्विंग प्रोस्पेक्टिव जो कि उन्होंने शायद अपनी टेक्निकल टीम के साथ डिस्कस भी किया हो। क्या कहते हैं आप मयूरेश, इस डिप में आप क्या खरीदना चाहेंगे? बिल्कुल, इनफैक्ट जो शैन सर ने कहा अभी, आई थिंक उस पर ही मेरी नजर थी। मैरिको आई थिंक जबरदस्त नंबर है एंड इट इज सस्टेनिंग इन स्पाइट ऑफ द फॉल। 25% वॉल्यूम ग्रोथ, ग्रोस मार्जिन थोड़े कम है बिकॉज इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, लिक्विड टैरिफ ने कोपरा प्राइसेस की वजह से जो इनके की प्रोडक्ट्स है पैराशूट सफोला यहाँ पे थोड़ी दिक्कत थी, बट आई थिंक वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ दोनों जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है। रूरल हैज ग्रोन 1.8 टाइम्स ऑफ अर्बन, कॉस्ट सेविंग इन्होंने की, और मैनेजमेंट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि जैसे कोपरा के सप्लाई आएंगे फर्स्ट क्वार्टर से ही कोपरा प्राइसेस कूल ऑफ होते जाएंगे, विच मींस मार्जिन शुड स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग एंड वॉल्यूम ग्रोथ शुड रिमेन एक्सट्रीमली रोबस्ट बिकॉज सप्लाई चेन्स हैव नॉट गॉट अफेक्टेड इन दिस पार्शियल लॉकडाउन। सर, तो एब्सोल्युटली एग्री विद यू शेन सर, आई थिंक मैरिको जबरदस्त तरीके से हेल्ड आउट किया है, नॉट जस्ट फॉर टुमारो, मुझे लगता है आई थिंक कुछ अगले दिनों तक हम तक ट्रेड को कैरी ऑन किया जा सकता है। ब्रेकआउट्स आपको मैरिको में होते हुए दिख रहे हैं, फंडामेंटल रीजन बताते हुए मयूरेश जोशी साहब हमारे रिसर्च हेड। वॉल्यूम भी शानदार, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर अब 74 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। डेट साहब, एक कैंडलस्टिक चार्ट दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। आज का मूव तो आप इंट्राडे चार्ट पे दिखा ही रहे हैं, लेकिन मैरिको में जो मूवमेंट है वो देखते ही बनता है, और ये काबिले तारीफ इसलिए भी है क्योंकि FMCG काउंटर्स में इस तरीके की चाल बहुत ही कम देखने को मिलती है। बहुत आराम से धीरे धीरे आपको ये काउंटर्स चलते हुए दिखते हैं, और पिछले 3 दिन से नतीजों से एक दिन पहले, नतीजे वाले दिन और उसके बाद बढ़िया मूवमेंट प्राइस एक्शन के साथ और वॉल्यूम के साथ आपको फिलहाल मैरिको पर आता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये है प्राइस 465 रुपए फिलहाल स्क्रीन पर FNO में मैरिको पर, और कैश भी आपको वहीं ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से और उनसे चर्चा करते हैं टाटा केमिकल की। चंदन जी, यहाँ तो ब्रेकडाउन दिख ही रहा है, बताइए कोई शॉर्ट कॉल आप यहाँ देना चाहते हो, कोई ऑप्शन ट्रेड अगर वीरेन जी भी पकड़े टाटा केम पर डाउनसाइड पर? बिल्कुल, देखिए टाटा केमिकल पर हम पॉजिटिव व्यू रख रहे थे, बट काउंटर अब अपना जो पॉजिटिव मोमेंटम है उसको खत्म कर रहा है, और 690 एक मेजर इसमें लेवल है, और 690 के नीचे होते ये एक अपना हेड एंड शोल्डर का एक ब्रेकडाउन भी दे देगा यदि हम डेली चार्ट पे देखें तो। आप देखोगे रिसेंट डिस्काउंटर ने लगभग 794 का टॉप बनाया, और प्रीवियस आज से लगभग मार्च के आसपास भी इन्हीं लेवल का टॉप बना है, तो काफी एक वीक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, तो मेरे हिसाब से 690 एक इमीडिएट लेवल होगा। जब तक 690 है तब तक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, बट 690 तोड़ता है तो आपको इवन लॉन्ग पोजीशन भी खत्म करनी पड़ेगी, तो एज ऑफ नाउ यही सलाह रहेगी कि 690 तक के डाउनसाइड प्ले करें। कोई भी डाउनसाइड प्ले करने के लिए आपको लगभग 725 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 690 तोड़े तभी जाके नई तेज रहेगी, अदरवाइज एज ऑफ नाउ वहां तक का मुंह तो लग रहा है।
चंदन लगे हाथ टाटा केमिकल्स के इस ऑप्शन के साथ, अपना व्यू भी दे दीजिए कल के लिए उस ट्रेड पर जो कि आप कैरी करेंगे कल के लिए। जी देखिए, टाटा केमिकल के ऑप्शंस की बात करें तो आप इसमें 700 की पुट में जाए, 700 की पुट यदि आप देख रहे हो इसमें मे की, तो लगभग ये 26 से 27 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे आपको 21 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ये जब 690 के आसपास जाएगा तो कम से कम यहाँ पे 38 से 40 रुपए तक के स्विंग देखे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टाटा केमिकल पे आपने एक व्यू दिया, साथ ही साथ अगर आप देखें जो सारी की सारी कॉल्स है मैं वो आपके स्क्रीन पर एक बार रख देता हूँ, डॉक्टर साहब प्लीज जरा सारी की सारी कॉल लेके आइएगा। यहाँ पे हमने कुछ ऑप्शन ट्रेड्स लिए टाटा केमिकल पे और ये है 700 की प्रोटेक्ट। सीरियस अगर आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल डैमेज का खतरा है और एमएक्स ने सपोर्ट नहीं किया तो उसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो आपको स्ट्रक्चर पे नजर आ रहा है। श्रीकांत चौहान मेरे ख्याल से उनका ट्रेड बाकी है क्या डॉक्टर साहब? ओके, लेकिन उनके उनके पास एक ट्रेड है, आई थिंक उसको मार्क कर लेता हूं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्रीकांत आपका ट्रेड इस वक्त का क्या? ट्रेड वैसे ओएमबीसी दिया था और ओएमबीसी के ऊपर मुझे लगता है कि अच्छी तेजी बन सकती है। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी मैरिको के ऊपर, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि काफी अच्छा ब्रेकआउट है और ये स्टॉक शायद मुझे लगता है कि 600 या 650 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो बिल्कुल शानदार ब्रेकआउट है और जो भी करेक्शन है किसी भी वजह से लॉन्ग किया जा सकता है। कुछ और प्राइसेस मैं मार्क करना चाहता हूं, डायरेक्टर साहब लेके आइए वापस जुबिलेंट फूड वर्क्स, यहां पर आपको ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ दो मिनट पहले आपने एक शॉर्ट ट्रेड यहां पर कलेक्ट किया है, 2400 की पुट जो आपको देके गए थे संकल्प जी, यहां पर आप देखिए कोशिश पूरी जारी है बेयर्स की कि ये इसका 100 डीएमए तोड़ दें। दिन का लोएस्ट लेवल 2771 और 100 डीएमए है 2769। देखते हैं बचे हुए 8 मिनट में किस करवट ऊंट बैठता है, हालांकि लड़ाई आप देखिए बियर और बुल के बीच में हो रही है। एक्सेल इंडस्ट्रीज को लेके आइए डायरेक्टर साहब चार्ट पर, स्क्रीन पर बहुत ही दहकता हुआ आपको ये काउंटर दिखेगा एग्रोकेमिकल स्पेस पर, 1074 फुल सर्किट 20% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा ये काउंटर, सिर्फ प्राइस चेक हो रहे हैं 20% के बाद आप क्या कीजिएगा। लाइए स्क्रीन पर वेदांता, मेरे ख्याल से आखिर का आधा घंटा ये काउंटर आपको सेट करता हुआ दिखेगा। एमएससीआई रिबैलेंसिंग हो रही है, 3-4 करोड़ शेयर का हेर फेर है, लेकिन ये जबरदस्त मोमेंटम मेटल काउंटर्स में है कि वेदांता में बिकवाली के बावजूद आपको मजबूत हाथ इसको खरीदते हुए दिख रहे हैं। एनालाइज करेंगे चंदन तपड़िया साहब, वेदांता टू यू सर। बिल्कुल वेदांता मेरे हिसाब से एक अच्छा बीटीएसटी भी कैंडिडेट बन रहा है, 8% के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है और स्टॉक अपने आईएस डेली क्लोज देने के लिए तैयार है। मेटल में हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बाकी सब काउंटर में देखा था, बट वेदांता में स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल है, तो ये काउंटर है जहां पे आपको पॉजिटिव बायस के साथ रहना चाहिए। 254 के स्टॉप लॉस से ऊपर में लगभग 270-272 तक के वेदांता में लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। ओके, वेदांता डे हाई पे आके क्लोज होता हुआ और आज आशीष की टीम में ये स्टॉक था भी, ऑल दो खबर के बाद अगर आप देखें तो हमने शायद यही एक अच्छा समझा कि इस पर बैकफुट पर रहते हैं, इसको ट्रेड ही नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए आज क्लोजिंग में जो स्टॉक चल रहा है वो यही है। सर शायद जी इसे कहते हैं मौके पर चौका, देखिए आज हम सब बैकफुट पे थे वेदांता पे और एक यही मात्र स्टॉक है जो कि डे हाई की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हो रहा है। आशीष भी इस वक्त घर में बैठ के देख रहे होंगे तो मेरे को हंस रहे होंगे, जरूर हंस रहे होंगे शैल जी। वैसे देखिए, हाँ वीरेन जी, मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। आज बहुत ही बढ़िया जो शॉर्ट ट्रेड एमएनएम में आया वो 7:22 पर आया, पहले पायदान पर नीरज जी की टीम में शॉर्ट कॉल था एमएनएम। फिर हमारे साथ जुड़े संकल्प जी 2 बजे के शो में कमाई के अड्डे में, उन्होंने आपको शॉर्ट किया, 740 की पुट खरीदवाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो काम दिखी। और उसके बाद जब उन्होंने वो ट्रेड स्क्वेयर कर लिया तो भसीन साहब जुड़े और उन्होंने कहा कि भाई इस गिरावट का फायदा उठाओ और एमएनएम को अपने पोर्टफोलियो में सिप के जरिए ऐड करो। तो देखिए किस तरीके का संजोग आपको होता हुआ दिखता है बाजार में, ट्रेड्स बनते हैं और खत्म होते हैं और उसके बाद दोबारा बनते हुए दिखते हैं। वेदांता का लॉन्ग कॉल आपने आशीष जी को देते हुए देखा सुबह,
उसके बाद खबर आई कि यहाँ पर आपको MSCI रिबैलेंसिंग होती हुई दिखेगी। उन्होंने ऑन एयर कहा कि भाई जरा इस पर थोड़ा ध्यान देना, और फिर आप देखिए कि आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी, मैं ये मान के चलता हूँ कि वेदांता जो डीलिस्टिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपको जो इनके मालिक हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं इस काउंटर को डीलिस्ट करवाने की, बाजार सस्ते रेट में कुछ भी वापस नहीं करता। अगर इतनी बढ़िया मेटल्स प्लेयर, यानी कि देश का और दुनिया का बहुत, देश का सबसे बड़ा और दुनिया का बहुत जाना माना और कंपनी अगर डीलिस्ट होती है भारतीय बाजारों से, तो उसको आप प्रीमियम दे के ही डीलिस्ट करवा पाएंगे। और 3-4 करोड़ शेयर अगर मिलते हैं तो आप देखिए मजबूत हाथ जो इसकी डीप वैल्यू जानते हैं वो आप इसको लेते हुए दिखेंगे। दिन का उच्चतम लेवल अब 262.40 आपके सामने आता हुआ दिख रहा है फिलहाल वेदांता पर। वीरेन जी, चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और वेदांता डे हाई पर है, और आज के जरा एक दो अच्छे प्राइस गेनर्स और साथ ही साथ टॉप ओआई गेनर्स को देखते हैं। आज पीएनबी में समझ लीजिए कि फरवरी मार्च अप्रैल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम, और ऑलमोस्ट अगर आप देखिए स्टॉक नेगेटिव सर्कमस्टेंसेज में भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी बेहद नजदीक बन रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा दो बीएसयू स्टॉक्स उसके बाद गेल, और मैरिको का एक जो कहते हैं ना एक अकेला का जो शो था उसका वन मैन शो जो था वो कायम था। मैरिको आज भी 465 पर और ये अपने ट्रेडिंग करियर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर जाकर क्लोज हुआ है ऑल टाइम हाई पर। और याद रखिएगा ये वॉल्यूम 2019-20 और 21 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम है। उसके बाद भारत फॉर्ज, हिंद पेट्रोल, बीईएल, एसबीआई लाइफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे जो कि चले, लेकिन बैकफुट पर अगर आप देखें जो स्टॉक्स थे आज टाटा केमिकल्स और नंबर्स इस क्वार्टरली नंबर्स में आप देखें निराश किया कंपनी ने। उसके बाद तारा कंज्यूमर, जुबिलेंट फूड्स, इंडस टावर, नवीन फ्लोरिंग, ग्लेनमार्क और एमएनएम फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि बिल्कुल ही बैकफुट पे। इंडेक्स की क्लोजिंग जहां पर जिस रेंज में हो रही है याद रखिएगा फिर ये क्लोजिंग एग्जैक्टली उसी मुताबिक है जो डेटा कल एफआईएस के स्टैट्स में था। 50,000 कॉल लॉन्ग, उसके अगेंस्ट 50,000 कॉल शॉर्ट, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, आप 720 से घूमकर वापस आ गए, और करीब करीब 40,000 पुट लॉन्ग और उसके अगेंस्ट लगभग 38,000 पुट शॉर्ट थी, यानी आपने 471 के जोन को भी वॉलेट नहीं किया, यानी कल के लोग को यानी मंडे मॉर्निंग के लोग को वॉलेट नहीं किया। तो बाजार तमाम नेगेटिव खबरों के बावजूद अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस के साथ ले जा रहा है अगले सेशन में, जो कि एक काफी क्रिटिकल सेशन होता है एक्सपायरी माइनस वन डे। एनबीएफसी पे काफी प्रेशर रहा, लुक एट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी, उसके बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और एमएनएम फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें आज काफी पेन रहा और ऑलमोस्ट डे लो की ट्रेजेक्टरी के आसपास ये क्लोज होते हुए। सीमेंट स्पेस में अगर आप देखें रामपुर सीमेंट्स, यहां पर आज एक ब्रेकडाउन हुआ, आज 20 डीमा के ऊपर खुला लेकिन जर्नी स्टार्ट करी इसने अच्छे से, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते 50 डीमा नीचे फिसल गया। ट्रेंट और साथ ही साथ एम्फोसिस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि डे लो के आसपास क्लोज होते हुए। निफ्टी 14506 के स्तर पे थोड़ा सा संभल के लोअर लेवल से, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्टरी थी 471 उसको होल्ड करता हुआ। शैल जी, चलिए वीरेन जी, मैं जरा उन स्टॉक्स पर ध्यान दे रहा हूं जहां पर बावजूद इस गिरावट के आपको बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर ले आइए टॉप गेनर एफएनओ स्पेस में पंजाब नेशनल बैंक, आपको 9% बढ़ता हुआ दिखेगा 37.90 रुपए के आसपास। और सिर्फ यही नहीं, दिन का उच्चतम लेवल आपने यहाँ पर 39.20 देखा, तो आप देखिए हल्की सी मुनाफा वसूली, लेकिन डीप वैल्यू अगर बाजार ढूंढ रहा है तो वो उसको पीएसयू बैंकिंग बास्केट में दिख रही है। यहाँ पर ध्यान रहे ये ट्रेडिंग कॉल्स ही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 71.30 रुपए, ये आपको दिन का उच्चतम लेवल दिखाता हुआ दिखेगा 73 रुपए के लगभग। फिलहाल गेन 6.3% ऊपर दूसरे पायदान पर एफएनओ में। गैस अथॉरिटी लेके आइए 144.95, आपको 5% ऊपर ये काउंटर बंद होता हुआ दिख रहा है। सुबह सुबह यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल आपने ट्रैक करी राजेश सतपुते द्वारा, दिन का उच्चतम लेवल 145.65। इसी तरीके से एसआरएफ पर भी मैं ध्यान दूंगा, अगर नतीजे शानदार हैं तो आपको ये काउंटर गैप अप करता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर आपने सुबह, दोपहर और बीटीएसटी के रूप में तीनों कॉल्स ली लॉन्ग साइड पर। वीरेन जी, फिलहाल ये स्थिति है एफएनओ में, जहां पर इंडेक्स 14,560 पर बंद हो रहा है 128 अंक नीचे। वीरेन जी, 32,000 के अगर आप देखें जोन को, आपके निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने होल्ड कर लिया और निफ्टी ने होल्ड कर लिया क्लोजिंग बेसिस पे 14,500 के जोन को। आज के टॉप प्राइस परफॉर्मर पीएनबी, बीओबी, गेल, मैरिको, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसआरएफ, केमिकल स्पेस से एसआरएफ,
सुपर मूव देखे गया और केमिकल स्पेस से ही अर्निंग्स के मद्देनजर टाटा केमिकल काफी पेन देखे गया। बैंकिंग स्पेस काफी स्ट्रॉन्ग था, पीएसयू बैंकिंग बास्केट और साथ ही साथ का पूरा पीएसयू स्पेस। आईटी सेक्टर में अगर आप देखें डैमेज था 100% का, मिड कैप्स में अगर आप देखें डैमेज था आज और लगभग 1-2% का। ये स्क्रीन पर ही मैं आपके स्क्रीन पर देखें जा रहा है सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस, सन फार्मा और विनीज लैब, हिंडालको और साथ ही साथ एचडीएफसी टूल्स में अगर आप देखें प्रश्न जनरेट किया। एसबीआई लाइफ अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है, उसका इम्पैक्ट था और अच्छा क्लोज ओएनजीसी, बीपीसीएल, बजाज फाइनेंस, दानी कोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक और टीसीएस ने आज अच्छा खासा मूव दिया। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और आज की टीम का रिटर्न, आई मीन नीरज जी और आशीष की टीम के आज के रीस ट्रेड्स, एक का तो आपने इस बार देखें जो गुड़गांव में मैंने किया वेदांता वसूली लिया, अभी देखते हैं कि रिटर्न्स कैसी रही और चाहे तो मन ही मन वेदांता की कॉल की रिटर्न्स भी जोड़ देंगे। आइए आशीष को देखते हैं, आशीष की रिटर्न्स कैसी रही आज और नीरज जी की। डॉक्टर साहब आशीष का जरा प्लीज प्लेट लिखाइएगा, आप स्क्रीन पर देखे तो यहाँ पे आशीष की फिगर्स आती हुई, आशीष 2.7, नीरज जी का देखें आज 0.5%, तो आशीष के लिए दिन अच्छा रहा, नीरज जी करीब 0.5% से संतोष कर पाए हैं आज, लेकिन अगर आशीष की वेदांता कॉल भी वैलिड होती है तो शायद ये रिटर्न्स और भी शानदार होती है। चलिए चलिए ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है हमारे दोनों कप्तानों की। आशीष जी की टीम के विनर्स देखिए, उनकी टीम ने 2.3% शानदार रिटर्न कमाया है, टॉप गेनर है जेके एग्री जेनेटिक्स। नतीजों में मुनाफे की तरफ ये कंपनी दौड़ती हुई दिखी है लॉस से और 15% ऊपर काम करते हुए। शॉर्ट ट्रेड इकलौता जो आशीष जी ने आपको दिया था वो टाटा केमिकल पर था, ये स्टॉक आपको दिन के न्यूनतम लेवल पर बंद होता हुआ दिखा है। वेदांता पर उनका मन नहीं था लेकिन हम लोगों ने ऐड कर रखा है। यहाँ पर आप देखिए 2% इजाफे के साथ वेदांता बंद होता हुआ दिखा है और फेरबदल रैंकिंग में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पर हुई चौथे पायदान पर आशीष जी की टीम ने वो परफॉर्म करता हुआ देखा। अब आपके सामने आती है नीरज जी की टीम, सारे के सारे शॉर्ट कॉल्स बहुत बढ़िया तरीके से काम किए, M&M, आयशर मोटर्स और अशोक लेलैंड और एक फार्मा कंपनी बाफना फार्मा जहां पर उनको एक परमिशन मिली है अपनी दो ड्रग्स बेचने की विदेशी मार्केट्स में, इस वजह से बढ़िया आप मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं नीरज जी। चलिए शैल जी इस क्लोजिंग के बाद अब दीपाली के पास चलते हैं कि एग्जैक्टली आज इक्विटी मार्केट्स के लिए थोड़ा सा वोलेटिलिटी का दिन रहा लेकिन कमोडिटीज में क्या हुआ, प्रीशियस मेटल्स ने क्या किया, आइए समझते हैं। दीपाली गुड आफ्टरनून, आज एग्जैक्टली कमोडिटीज में क्या स्ट्रांग है एस्पेक्ट और क्या वीक है? कमोडिटीज को देखेंगे तो कल विदेन काफी अच्छी तेजी हमने गोल्ड सिल्वर में देखी थी और जितनी तेजी से ये बढ़े थे आज मुनावसूली हावी होते हुए दिखी है। बेस मेटल्स जो कि लगातार रौनक दिखा रहे हैं वहां पर भी थोड़ा सा दबाव आज के सत्र में रहा है। आज सारा एक्शन एग्री कमोडिटीज में बना हुआ है, आप शुगर की बात कर रहे थे लेकिन इसके अलावा अगर आप एडेबल ऑयल पैक को देखेंगे, स्पाइसेस को पैक देखेंगे तो यहाँ भी काफी रौनक देखने को मिल रही है। और कारण वही है, कई इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जहां पर प्रोडक्शन इंपैक्ट हुआ है, डिमांड स्ट्रांग है जिसके कारण पूरा एग्री स्पेस इस वक्त चमक रहा है शुगर के अलावा। तो इसी पर फोकस करेंगे पूरे ही एग्री कमोडिटी स्पेस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंडअप में।